कबीर जी का ये पहला पद पढ़ा, काहे को माया दुख करी जोरी, हाथी चुन गज पांच पछे वरी। कबीर जी कहते हैं ये माया क्यों इकट्ठी की है दुख करके, हे जीव तूने स्वयं दुख पाया है और औरों को भी कष्ट दिया है यह माया को तेरे आसपास इकट्ठी करने के लिए। और ये कोई कष्ट ये मेहनत किसी काम का नहीं, बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि अंत में तो क्या रहेगा, हाथ ही चुन गज पांच पछेवरी, पांच गज का कपड़ा ही तेरे हाथ में बचने वाला है और तो कुछ रहने वाला नहीं है। मां को बंधन भाई साथी, संसार में कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का साथी है, न कोई किसी के साथ आया है, न कोई किसी के साथ जाने वाला है। बांधे रहे तुरंगम हाथी, तू किसको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तुझे लगता है कि ये सब मेरे साथीदार हैं, उनको मैं प्रभावित कर दूं ताकि वो मेरे साथ बने रहे हमेशा, और इसके लिए तू अपने घर के बाहर घोड़े हाथी बांध कर रखता है, संपत्ति का अपने वैभव का प्रदर्शन करता है, क्यों करता है? मेड़ी महल बावड़ी छाजा छाड़ी ये सब भूपति राजा, बड़ी बड़ी मेड़ी यानी छोटा सा मकान और महल, बड़े बड़े मकान, बावड़ी, स्विमिंग पूल, जो सुबह लाइट गई और मैं चर्चा कर रहा था कि बावड़ी बनाई, स्विमिंग पूल बनाया, सरोवर बनाया, छाजा, बड़े बड़े छत्रक तैयार किए, ये जितना भी तैयार किया वो सब तैयार किया हुआ पड़ा रहा, लेकिन तैयार करने वाले चले गए, छाड़ी गए, छाड़ी ये सब भूपति राजा, बड़े बड़े पृथ्वी के पति, अपने आप को पृथ्वी के मालिक समझने वाले चले गए। कहे कबीर राम ल्यों लाई, धरी रही माया काहू न खाई। कबीर कहते हैं केवल एक राम से प्रेम कर लो, माया तो यही पड़ी रहती है, काहू न खाई, कोई इसको खा नहीं सका, कोई इसका उपभोग नहीं कर पाया। कस्य सिद्धनम, ईशावास्य उपनिषद के ऋषि ने पूछा ये धन किसका है, ये धन ये संपत्ति न किसी की हुई है न किसी की हो सकती है। तो यूं तो बड़ी सरल बात है, लेकिन आइए इसमें जरा झांके, थोड़ा सा दर्शन करें। इस सूत्र में, इस पद में कबीर असंग्रह के बारे में, अपरिग्रह के बारे में समझाते हैं। इसका जो करंट है, अंडर करंट है पूरा, क्यों इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने की भावना, उसे कहा परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है पजेसिवनेस, मालिकियत की भावना, द सेंस ऑफ पजेशन। ये पजेशन दो बात का होता है, एक वस्तुओं के लिए और दूसरा व्यक्तियों के लिए, दो तरह की। और एक बात ध्यान रहे, पजेसिवनेस की या तो ये परिग्रह की मेरी धारणा कुछ अलग है। आमतौर पर जब हम कहते हैं परिग्रह, जब हम कहते हैं कि इकट्ठा करने की भावना, तो हमने जैसे कबीर के शब्दों में पढ़ा तो पहला अर्थ तो हमारे मन में यही आएगा कि क्यों ये संपत्ति इकट्ठी करते हो, सोने चांदी के गहने, घर, फर्नीचर, गाड़ी, ये सब क्यों इकट्ठा करते हो, बैंक बैलेंस क्यों जमाते हो, छोड़ दो सब, भाग जाओ तो आप परिग्रही बन जाओगे, दुनिया तुम्हारे पैर छुएगी। नहीं, ये अर्थ नहीं है। संपत्ति की आवश्यकता है, वस्तुओं की आवश्यकता है, व्यक्तियों की आवश्यकता है, और जीवन की जिस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है आज के युग में, उसमें अगर संपत्ति न होगी तो लोग हंसेंगे तुम्हारे सामने। तुम चाहे जितने बड़े भक्त हो, घर में दो रोटी की व्यवस्था न होगी तो तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया जाएगा, लोग कहेंगे कमाल है, कैसा है तुम्हारा भगवान जो तुम्हारे लिए दो वक्त की रोटी तक इकट्ठी नहीं कर पाता, हंसेंगे लोग। तो अपरिग्रह का अर्थ बेहाली नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ गरीबी नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ मेरी दृष्टि से थोड़ा सा समझदारी का अर्थ है। आपके आसपास कितनी वस्तुएं, कितने व्यक्ति इकट्ठे हुए, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी के साथ तुम्हारा संबंध क्या है। हाउ आर यू रिलेटेड टू देम, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस, these so-called possessions of yours.
जिन वस्तुओं को आपने अपने आसपास में रखा, आपने रखा है या आ गई है वो दूसरी बात है, लेकिन जो आसपास दिखाई पड़ती है तुम्हारे पास में, जो व्यक्ति तुम्हारे आसपास दिखाई पड़ते हैं, उनके साथ तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम किस संबंध से जुड़े हो उनके साथ। याद रखना, आध्यात्मिक विश्व में बाहरी एकपन का दिखाई पड़ना, बाहरी जुड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आंतरिक संबंध है। मेरे पास में अच्छी से अच्छी घड़ी बाहर से हो, ठीक है, लेकिन इस घड़ी के साथ मैं भीतर से कैसा जुड़ा हूं? बाहर से मेरे हाथ में यह घड़ी का होना मेरी आध्यात्मिकता का दर्शन न होगा। अगर कोई व्यक्ति मेरी आध्यात्मिकता का प्रमाण दे दे इस घड़ी को देखकर, तो वो भी गलत होगा, और मेरी आध्यात्मिकता के विरोध में कोई व्यक्ति कहने लगे इस घड़ी को देखकर, तो भी वो गलत होगा, क्योंकि वो क्या जाने भीतर से मैं इस घड़ी से कैसे जुड़ा हुआ। बाहर से अपने आप अपने पास कितने व्यक्ति हो, कितने भी लोग जुड़े हुए, क्या फर्क पड़ता है, भीतर से तुम्हारा उनके साथ संबंध क्या है उसी पर सब निर्भर है। तो परिग्रह वो केवल बाहर से इकट्ठा करना नहीं है, परिग्रह का गहन अर्थ, फिलोसॉफिकल मीनिंग जो है वो है भीतर से तुम उसके साथ कैसे जुड़े हुए हो। हमारे शास्त्रों ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया है, जल कमलवत। कीचड़ में जैसे कमल उगता है, तो कमल के आसपास देखोगे तो कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी ही गंदगी है, पानी ही पानी भरा पड़ा, लेकिन कमल का यह सौंदर्य देखो कि उस गंदगी का एक अंश भी, उस जल का एक बूंद भी कमल के पत्तों को छू नहीं सकता, वहां पर टिक नहीं सकता, उसी में से कमल अपने सौंदर्य को खींचता है। कमल का जो सौंदर्य है कहां से आया, इतना सुंदर रंग कहां से आया, वही कीचड़ में से आया। कमल की खुशबू कहां से आई, वही कीचड़ में से आई। कमल की उस कोमलता कहां से आई, वही कीचड़ में से आई। उसी में से जो अच्छाइयां थी वो खींच ली और वह उसकी बुराइयों से अलिप्त रहा। यह मेरे देखे अपरिग्रह की सही व्याख्या है। अच्छी या बुरी कोई भी वस्तु आपके आसपास होने से क्या फर्क पड़ता है, आप स्वयं उसके साथ कैसे जुड़े हुए, आपके भीतरी संबंधों की क्वालिटी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस पद में जो कबीर कहते हैं, माया काहे को माया दुख करी जोरी, दुख करके तूने क्यों इतनी माया इकट्ठी की है, थोड़ा सा समझे इस बात को। कबीर की ही व्याख्या है, मैं जो टर्म्स आएंगी उनको कबीर के ही शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करता रहूंगा। कबीर व्याख्या करते, कबीर माया सांपिनी जनता ही को खाए, ऐसा मिला न गारुड़ी पकड़ी पिटारे बांध। कबीर कहते हैं माया क्या है, माया सांपिनी वो सर्पिणी है, जनता ही को खाए, वो जिसको जन्म देती है उसी को खा जाती है। गांव का जीवन जिन्होंने जिया होगा उनको पता है, सर्पिणी वैसी होती है कि वो सांप के छोटे छोटे पिल्लू को, बच्चों को जन्म देती है और अपने ही बच्चों को फिर वो खा जाते हैं जब उसको भूख लगती है। माया सर्पिणी, उसने जिसको जन्म दिया, कौन, जीवात्मा। जीवात्मा इस भव सागर में, इस संसार में आया क्यों, माया की वजह से। तो इस जीवात्मा को संसार में कौन ले आई, माया, और अब माया क्या करती है, इसी जीवात्मा को खा जाती है। कबीर, माया सर्पिणी जनता ही को खाए, जीवात्मा को नष्ट करती है, बंधन में जकड़ लेती है उसको। ऐसा मिला न गारुड़ी पकड़ी पिटारे बाय, ऐसा कोई गारुड़ी चाहिए, ये गारुड़ी मतलब गुरु, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो माया को पकड़ के पिटारे में बंद कर दे, मदारी चाहिए ऐसा। गुरु वो गारुड़ी है जो जीवात्मा के हृदय को स्पर्श करके उसकी माया को पकड़ के ज्ञान के पिटारे में बंद कर दे, ऐसा मिलना चाहिए। कबीर कहते हैं माया माथे सिंगड़ा लंबे नौ नौ हाथ, आगे मारे सिंगड़ा पाछे मारे लात। माया कैसी है, कबीर के शब्द है, माया माथे सिंगड़ा
लंबे नौ नौ हाथ, माया के सर पर नौ नौ हाथ लंबे सींग लगे हैं, आगे मारे सिंगड़ा और पाछे मारे लात। माया जब आती है तो उसके सींग मारती है व्यक्ति को पहले। जीवात्मा को माया बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन माया के सींग लगते हैं पहले। और जब सींग लगे ना, पशु के सींग जिसने खाया हो उसको पता हो, सूजी जाए, सूजन आ जाती है। तो माया के सींग जिसकी छाती में लगे उसको क्या होता है, सूजन आ जाती है। माया सबसे पहले तो अहंकार दे देती है और अहंकार से छाती तन जाती है उसकी, वो है बीमारी। लेकिन दूसरा कोई देखेगा तो लगता है अरे वाह क्या छाती तन के चलता है, वो तनी हुई छाती नहीं है, वो बीमारी है, सूजन है, सोजो आवे जो हेल्थ न थी। तो माया जब आती है तो पहले तो सिंग मारती अहंकार का। जो भी चीजें आ जाती है, व्यक्ति को लगता है मेरे पास ऐसी गाड़ी है, ऐसा मकान है, ऐसा धंधा है, ऐसा बैंक बैलेंस है, ऐसी सुंदर पत्नी है, ऐसे बच्चे हैं, अहंकार का सिंग मार, नौ नौ हाथ लंबे दूर से मारती। न भी आया हो ना, आने की संभावना हो तो भी व्यक्ति को अहंकार आने लगता है, ये मिल जाएगा उसका अहंकार। मिलने पर अहंकार आए तो उसको कुछ फाउंडेशन भी है, कुछ नींव भी है, मिला नहीं, केवल मिलने की संभावना दिखाई पड़ती है, तब से तन के चलता है। तो आगे मारे सिंगड़ा, पाछे मारे लात। और माया जब जाए तो लात मार के जाती है। ये लात कौन सी है, व्यक्ति निरुत्साह हो जाता है, उसको पछतावा होने लगता है और दुखी हो जाता है। ये माया की लात, पछताता है व्यक्ति, सोचता है मैंने ऐसा क्यों किया। जब कोई नया परिचय होने लगे, संबंध, तो व्यक्ति तनता है, अरे ये आदमी मुझे मिल गया, इसके साथ रिश्ता बन गया, ये माया का सिंगड़ा लगा। और उस व्यक्ति के साथ जब कुछ समस्या हो गई, पार्टनरशिप में एंटर हो गए थे और उसने चीटिंग किया, 10-15 लाख का छल किया आपके साथ, तो माया जाते जाते लात मारती है। फिर व्यक्ति सोचता है मैंने उस व्यक्ति का इतना भरोसा क्यों किया, अगर मैं भरोसा न, अरे जब व्यक्ति मिला तब तो तुम कितने खुश हो गए थे, वाह वाह क्या आदमी मिला है, क्या उसकी चालाकी। तो माया आगे मारे सिंगड़ा, पीछे मारे लात। माया की डेफिनेशन क्या है, कबीर कहते हैं माया माया सब कहें, माया लखें न कोई। माया माया कहते हैं सब, लेकिन माया को जानते हैं बहुत कम। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। कबीर के शब्दों में माया की डेफिनेशन क्या है, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो मन से उतरती नहीं उसे माया कहो। माया की डेफिनेशन अभी तक जो मुझे बड़ी पसंद थी ना, मैं हमेशा जब रामायण की कथा करता हूं उसमें अरण्य कांड में बड़ी सुंदर चौपाई है, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बीच संवाद है, जहां लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से 5 प्रश्न पूछते हैं, प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, कहूं ज्ञान विराग अरु माया, माया क्या है। उसमें लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, जीव शिव का भेद पूछते हैं और भक्ति क्या है पूछते हैं। बड़ा सुंदर संवाद राम गीता, जो रामायण की कथा में मैं कहता हूं, उसमें माया की बड़ी सुंदर डेफिनेशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद रखी। माया क्या है, मैं अरु मोर तोर तें माया, मैं अरु मोर तोर तें माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी को कहते हैं माया। द फीलिंग ऑफ मी एंड माइन एंड दी एंड दाइन, मैं मेरा और तू तेरा, ये भाव जहां पर आया समझ लो ये सब माया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया समझे हूं भाई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं भाई जहां तक इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, जहां तक जाते हैं वो सब माया है समझ लो। ये दूसरी व्याख्या मुझे बड़ी पसंद आई, तुलसीदास जी की व्याख्या बड़ी सुंदर है, भगवान श्री रामचंद्र जी के शब्द है। कबीर जी कहते हैं माया क्या है, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। बहुत छोटी सूत्रात्मक व्याख्या, जो मन से उतरता नहीं वो माया, जिसने आपके मन को पकड़ लिया है वो माया। एक कपड़ा आपने देखा, एक वस्त्र देखा आपने, शो विंडो में जब तक वो कपड़ा था ना तब तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आपने उसको देखा, पसंद आया, अरे वाह अच्छा है ये कपड़ा, पुरुष होगा तो कहेगा सूट का पीस है, बहन होगी तो कहेगी ड्रेस मटेरियल, जो भी है अच्छा है। अब धीरे से
आपको पता भी नहीं चला और वो कपड़ा शो विंडो में तो बना रहा लेकिन आपके मन में आकर बैठ गया। वहां से आप निकल गए लेकिन कपड़ा मन से नहीं गया, चाहिए 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 वो भाव बनता रहा, तो अब वो आपकी माया बन गई। जो मन से उतरे, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। मन की मान्यताएं, मन के संकल्प विकल्प, मन के पूर्वग्रह प्रेजुडाइसिस पकड़ के बैठा है। जरा देखना शांति से आज रात को सोचना कितनी माया पकड़ के बैठे हैं आप। और उसी को कबीर कहते हैं काहे को माया दुख करी जोर। ये कितना तुमने पकड़ पकड़ के बैठे हो तुम माया। तो माया को केवल रुपए पैसे में मत गिनना, ये माया बड़ी परेशान करती। काहे को माया दुख करी जोरी, जो मन से उतरती ही नहीं। कितने पूर्वग्रह, कितनी मान्यताएं, कितने संकल्प विकल्प, कितनी वासनाएं, कितना जोड़ के बैठे पकड़ के बैठे। मैं हमेशा कहता हूं वस्तु को छोड़ना बिल्कुल आसान, व्यक्ति को छोड़ना कठिन है लेकिन इंपॉसिबल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होता। वस्तु को छोड़ने कहो अभी छोड़ दे, वस्तु के साथ संबंध टूटता है, दुख होता है लेकिन वो भूल भी जाते हैं। आपके विवाह में गिफ्ट आया हुआ क्रॉकरी सेट नौकर ने तोड़ डाला, तो गुस्सा किया नौकर पर, आपको दुख भी हुआ, अरे 15 वर्षों से संभाल के रखा था ये क्रॉकरी सेट, ये बिल्कुल पागल आदमी है तोड़ डाला। ठीक है, आधा घंटा एक घंटा एक दिन दुख हुआ, दूसरे दिन आप भूल गए छोड़ो। वस्तु से संबंध टूटता है दुख होता है, व्यक्ति से संबंध टूटता है वो जरा अधिक दुख होता है। किसी व्यक्ति के साथ संबंध टूट जाए तो शायद हफ्ते भर महीने भर साल भर याद रखोगे, लेकिन वो भी भूल सकते हो छोड़ सकते हो। लेकिन कोई विचार को छोड़ना, और वो भी अपने विचार को छोड़ना, बड़ा मुश्किल है। वस्तु को छोड़ना आसान है, क्यों? क्योंकि वस्तु जड़ है। व्यक्ति को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि व्यक्ति चैतन्यवान है, फिर भी आप उसको छोड़ सकते हो क्योंकि व्यक्ति फिर भी पराया है। लेकिन विचार, विचार तो मेरा है, तो कहते हैं ना दिस इज व्हाट आई थिंक, इतना बड़ा कैपिटल आई, दिस इज व्हाट आई थिंक, ये मेरा विचार है, कैसे छोड़ोगे। होता तो यूं है कि व्यक्ति के लिए मनुष्य वस्तु को छोड़ सकता है, यह प्रेम का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति के साथ आपको प्रेम हो जाए ना, तो आप उसके लिए वस्तु छोड़ना शुरू करोगे। आपका मन में हमेशा ही विचार आएगा मैं उनको क्या दूं, मैं उसके लिए क्या ले जाऊं, क्या समर्पित करूं, यह प्रेम का प्रतीक है। व्यक्ति से जब प्रेम हो तो वस्तु फिजूल हो जाती, आप छोड़ने की इच्छा करते। देखे होंगे किसी के घर पे जाओ और ड्रेसिंग टेबल पे परफ्यूम पड़ा हो, आप कहोगे अरे वाह कितनी अच्छी बॉटल है, तो वे कहेगा अच्छा पसंद आई ले जाओ, क्योंकि व्यक्ति से इतना प्रेम है। वस्तु को छोड़ना आसान, लेकिन याद रखना व्यक्ति को अपने विचारों से इतना बंधन होता है और इतना पजेसिव, इतनी माया होती है विचारों की, कि विचारों के लिए वो व्यक्ति को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता। आपने देखा होगा 20 साल की मैत्री, 25 साल की मैत्री, या तो मैं तो कहूं पति पत्नी के संबंध, चलो जो मोस्ट इंटीमेट रिलेशंस होते हैं जीवन के, आश्चर्य होता है 50 साल का पति और 48 साल की पत्नी, हम सुनते हैं डाइवोर्स लिया, अरे ये कोई उम्र थी डाइवोर्स लेने की, करोगे क्या, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के ब्याह हो गए, नहीं 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 जमा, तो 25 साल तक करते थे क्या, अब 25 साल के बाद पता चला नहीं जमा, क्यों कैसे। विवाह के महीने भर में डाइवोर्स हो जाए समझ सकते हैं, चलो गलती, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो जाए तो समझ सकते हैं कि गलती हो गई, थुप तुस चलो समझ सकते हैं। 25 साल के बाद आपको ये पता चलता, खोटू बोले
नहीं ओके तो क्यों कैसे हुआ? क्योंकि इतने वर्षों के बाद व्यक्ति के विचारों का बंधन, विचारों का जो पजेस इतना स्ट्रांग हो गया कि वो 25 साल के रिलेशन को तोड़ने पर तुल गया। व्यक्ति को छोड़ सकता हूं, मेरे विचारों को नहीं छोड़ सकता। लोग कहते हैं ना, वी डोंट जेल विथ ईच अदर, क्योंकि तेरे विचार इतने प्रभावी, उसके विचार इतने प्रभावी, विचारों की टक्कर है बड़ा। तो मन से जो उचरे नहीं, ये माया है, समझ लो, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। मनते माया उपजे माया त्रिगुण रूप, पांच तत्व के मेल में बांधे सकल स्वरूप। माया का जन्म कहां होता है? मन में। मन से माया उपजे माया त्रिगुण रूप, त्रिगुणमयी है माया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणात्मिका माया, सत्व रज तम माया के रूप है। पांच तत्व के मेल में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के मेल में बांधे सकल स्वरूप, उसने पूरे सभी जीवात्माओं को बांध के रखा है, सृजन करती है माया। पूछते हैं कबीर जी, काहे को माया दुख करी जोरी, क्यों इकट्ठी की है ये माया? तो व्यक्ति, वस्तु और विचार, तीनों क्षेत्रों की क्यों इकट्ठी की, दुख करी? दुख क्यों है? क्योंकि एक तो तुमने स्वयं मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, कष्ट तो अनुभव किया, और दूसरे को भी कष्ट दिया। याद रखना, सच पूछो तो इकट्ठा करने की वृत्ति, ये परिग्रह वृत्ति, वह हिंसा का ही एक प्रकार है। सोचना इसके बारे में, जिसके भी आप मालिक बनने की कोशिश करते हो, उस वस्तु या व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर आप आक्रमण करते हो। आपने जिसके भी मालिक बनने की कोशिश की, तभी तो मालिक बन सकते हो जब दूसरे को गुलाम बनाओ। पति अगर पत्नी का मालिक बनने की कोशिश करेगा तो उस हद तक वो अपने पत्नी की स्वतंत्रता को मर्यादित करेगा। पिता अगर पुत्र का मालिक बनने की कोशिश करेगा तो उस हद तक वो पिता अपने पुत्र की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा, और ये नष्ट करने में ही हिंसा है। उसके स्वत्व पर, उसकी ओरिजिननेस पर, उसके प्योर सेल्फ के ऊपर आपका आक्रमण है, हिंसा है। और बिना हिंसा किए आप किसी के मालिक बन नहीं सकते। जब भी व्यक्ति किसी के मालिक बनने की कोशिश करता है, यह वस्तु हो, व्यक्ति हो, विचार हो, मालिक बना कि उस वस्तु, व्यक्ति और विचार का सौंदर्य नष्ट हुआ। मालिकियत का भाव उसके सौंदर्य को नष्ट करता है। तब उसकी नजर अब सौंदर्य पर रहती, जब तक मालिक नहीं बना तब तक सुंदर लगता है, मालिक बन गया सौंदर्य चला गया। आप बगीचे में से निकलो, सुंदर सा आम का पेड़ दिखाई पड़े या गुलाब का पौधा दिखाई पड़े, तो आपको गुलाब के पौधे में सौंदर्य दिखेगा, कितना सुंदर गुलाब है। लेकिन समझो किसी ने रोज प्लांटेशन किया है, उसका बिजनेस है, वो मालिक है, वो तो इतना ही सोचता है आज ये पौधे पर से कितने, 5 गुलाब निकले या 10 निकले, ये 10 गुलाब बिकेंगे तो कितने, 20 रुपए आएंगे, 50 रुपए आएंगे, क्या आएगा? उसको गुलाब के सौंदर्य से लेना देना नहीं है, उसको केवल प्रोडक्शन, उसको क्रिएशन से मतलब नहीं है, उसको प्रोडक्शन से मतलब। वो सौंदर्य को खो बैठा। आम का पेड़ हो, आप उसके सौंदर्य को पाओगे, अरे वाह कितने सुंदर आम लगे हैं, कैसी कोयल कुहू कुहू करती है उसके ऊपर, आप उसके सौंदर्य को देखोगे। लेकिन उस आम का मालिक, कितने आम निकलेंगे इसमें से इस साल, ये पेड़ 40,000 देगा, 50,000 देगा, क्या देगा? सौंदर्य नष्ट हो गया, केवल स्वार्थ रह गया। मालिक हमेशा स्वार्थी होता है। मालिकियत के मूल में, मालिकियत की नींव में स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थी हुए आप मालिक बन ही नहीं सकते। काहे को माया दुख करी जो, और किसी को भी आप जब स्वार्थ की दृष्टि से देखोगे तो उसको दुख पहुंचाना है। प्रश्न हमारे मन में होगा कि ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जहां भी मालिकियत का भाव आ गया, माया प्रवेश कर गई, वहां दुख आता है।
तो फिर भी व्यक्ति मालिक बनने का प्रयास क्यों करता है? एक बार मालिक बने, दुख हुआ, तो क्यों समझते नहीं हम कि अब मालिक बनने की बात ही छोड़ दो? बार बार वही गलती क्यों करते रहता है व्यक्ति? क्यों बार बार मालिक बनने की इच्छा होती है? क्यों बार बार माया इकट्ठे करने की, माया बांधने की इच्छा होती है, माया को जोड़ने की इच्छा होती है? क्यों होता है ये? मालिक बनने की इच्छा केवल इसलिए होती है क्योंकि हम स्वयं अपने मालिक नहीं हैं। जो स्वयं अपना मालिक ना हो वो हमेशा दूसरों के मालिक बनने का प्रयास करेगा, और एक बार जो स्वयं अपना मालिक हो गया वो कभी दूसरों के मालिक बनने का प्रयास ही न, वो बात ही उसके लिए फिजूल हो गई। अब तो याद रखना, जो व्यक्ति जितना मालिक बनने की कोशिश करता है, समझना, वो भीतर से बड़ा खाली व्यक्ति है, और भीतर की रिक्तता को, भीतर के खालीपन को वो दूसरों का मालिक बन के भरने की कोशिश करता है। उसे पता है भीतर तो कुछ नहीं है मेरे पास, तो ये देखो मेरे अलमारी में इतने कपड़े भरे हैं, ये देखो मेरे शरीर पर इतने गहने लगे हुए हैं, ये देखो मेरी ऑफिस इतनी बड़ी है, ये देखो मेरी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, ये देखो मेरा बैंक बैलेंस इतना बोलता है, ये देखो ऐसी चमकती हुई गाड़ी में घूमता हूं। भीतर का खालीपन व्यक्ति बाहर के चकाचौंध से और मालिकियत से भरने की कोशिश करता है। तो जितना व्यक्ति बाहरी वस्तुओं का मालिक बनने का प्रयास करेगा, समझना, भीतर खालीपन है, और जो भीतर से भरा हुआ है वो बाहर की वो अलिप्त रहेगा, जल कमलवत रहेगा। आ गया ठीक है, ना आया कोई बात नहीं। इतनी सरलता दिखाई पड़ेगी, जो कबीर कहते हैं ना, साधो सहज समाधि, तो सहजता दिखाई पड़ेगी उसमें, उसके स्वीकार में भी सहजता, और उसके पास से कुछ चला जाए तो भी सहजता। तो जितने लोग बाहर के दूसरों के मालिक बनने की कोशिश करते हैं उतने वो स्वयं भीतर से खाली होते। और यह भी याद रखना कि जितना बड़ा मालिकियत का भाव उतना अधिक दुख। मालिक बनने में हमेशा दुख ही है, मालिक कभी सुखी हो नहीं सकता। इस्तेमाल करने वाले सुखी होते हैं, मालिक नहीं होता। और अधिकतर आप ऐसा पाओगे जो मालिक है ना वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, इस्तेमाल करने वाले लोग अलग ही होते हैं। मालिक हमेशा दुखी होगा क्योंकि इस्तेमाल करने में वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो भी दुख है, इकट्ठा करने में भी दुख, संभालने में भी दुख, और अगर इसका इस्तेमाल करो तो वो कम हो जाएगा तो उसका भी दुख, दुख दुख दुख, हर एक कदम पर दुख ही दुख है। जितनी बड़ी मालिकियत उतना बड़ा दुख। इसलिए कबीर कहते हैं काहे को माया दुख करी चोरी। एक बात और कहूं, मालिकियत में दोहरी परतंत्रता है, डबल द स्लेवरी। एक तो सभी को दिखता है, एक मालिक है दूसरा उसका गुलाम है, तो दिखाई पड़ता है कि ये मालिक ये गुलाम। बात वहां पर रुकती नहीं, गुलाम तो मालिक का गुलाम होता है लेकिन मालिक गुलाम का भी गुलाम होता है। आप इसके बारे में सोचना, गुलाम तो गुलाम है, सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन मालिक गुलाम का भी गुलाम है, वो बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है। ये डबल द स्लेवरी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आम जीवन का। समझो कोई ऐसे सेठ सेठानी हो, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन माउथ, कभी पानी का गिलास भी हाथ से भरा नहीं, जो चाहो नौकर, बाबू ये ला, रामो ये ला, तो जो आएगा दिखाई पड़ता, रे कैसे मालिक हैं, तीन तीन नौकर आसपास घूमते हैं, पानी का गिलास भी उठाना नहीं पड़ता। वो तो दिखाई पड़ता है कि रामू स्लेव है और ये मालिक है, लेकिन कभी ये दिखाई पड़ा कि ये जो ऑर्डर छोड़ने वाला है वो गुलाम का भी गुलाम है, कि रामू अगर न हो तो वो पानी भी नहीं पी सकता, वो गुलाम का गुलाम है। मालिक
अपने गुलाम का भी गुलाम होता है। ये दोहरी प्रथा है, डबल द स्लेव। हमारे शास्त्रों में ये दृष्टांत है ना कि कोई व्यक्ति गाय को रस्सी से बांध कर ले जा रहा तो दिखाई पड़ता है जैसे रस्सी से बांध कर जो ले जा रहा है वो मालिक है और गाय पोजेशन है उसका, लेकिन ये गलत है। गाय रस्सी से बंधी हुई दिखाई पड़ती है और वो व्यक्ति बंधा हुआ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन वो तो डबल रस्सी से बंधा हुआ है। क्योंकि एक ही कारण है, समझ लो, ये आदमी गाय को छोड़ करके दौड़ने लगे तो गाय उसके पीछे नहीं भागने वाली, गाय तो अपने रास्ते पर चली जाएगी। लेकिन गलती से कभी ये गाय रस्सी को छुड़ा कर दौड़े तो आदमी उसके पीछे भागेगा। तो मालिक कौन और नौकर कौन? वस्तु आपके पीछे नहीं आती, आप वस्तु के पीछे दौड़ते। श्रीमद् भागवत में अनुवाद कर रहे थे, माया को आप पकड़ के बैठे हैं, माया ने आपको नहीं पकड़ा। संक्षेप में अगर कहें तो द पजेसर बिकम्स द पजेस्ड, मालिक गुलाम बन जाता है, वस्तु आपके पीछे नहीं आती, आप वस्तु के पीछे दौड़ते। फर्क केवल इतना है, मालिक भी गुलाम है और गुलाम भी गुलाम है, लेकिन गुलाम की गुलामी दिखाई पड़ती है, मालिक की गुलामी अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती बिल्कुल है। इसलिए तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा ना कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। तो जब तक आकर्षण है, जब तक कुछ चाहिए की वृत्ति है, तब तक माया है। मां को बंधन भाई साथी बांधे रहे तुरंगम हाथी। कबीर कहते हैं इस संसार में कोई किसी का न भाई है न कोई किसी का सखा, फिर भी लोग वैभव का प्रदर्शन करते हैं हाथी घोड़े बांधकर। व्यक्ति जब अपनी विपत्ति को ही संपत्ति समझने लगे तो क्या कहो, व्यक्ति जब अपनी परतंत्रता को ही स्वतंत्रता समझने लगे तो इसका क्या इलाज है? विपत्ति को ही संपत्ति समझे। कैद खाने के भीतर कैदी हैं जो बंधन में पड़े हैं, जंजीरें हैं उनके हाथ पैरों में बंधी हुई, वो तो बंधन है, वो बंधन दिखाई पड़ता है, बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि कैद खाने की दीवार के बाहर खड़ा हुआ चौकीदार भी उतना ही बंधन में है। जैसे भीतर का कैदी भाग नहीं सकता, वैसे भीतर बाहर का ये चौकीदार भी भाग नहीं सकता, वो ड्यूटी से खड़ा है वहां पर, क्योंकि वो भाग जाएगा तो भीतर के सब भागेंगे। भीतर के न भागे इसलिए इसको खड़ा रहना पड़ता है, भीतर वालों का बंधन दिखाई पड़ता है, बाहर वालों का बंधन नहीं दिखाई पड़ता। और मैं तो ये कहूं कि भले हैं भीतर के बंधन वाले, उनको पता तो है कि बंधन में पड़े हैं और प्रयत्न भी करेंगे छूटना है, कोशिश करते रहते हैं कब छूटे कब भागे। और बाहर जो खड़ा है ना वो समझता है अपने आप को स्वतंत्र, लेकिन है परतंत्र, वो तो कभी छूटने की कोशिश भी नहीं करता, वो तो प्रतीक्षा करता है कब 9 बजे मेरी ड्यूटी पे जाके खड़ा हो जाऊं, वो तो बंधन में जाने की प्रतीक्षा करता है, दौड़ता है अपनी पत्नी को डांटता है, अरे 8:30 बज गए पता नहीं 9 बजे मुझे रिपोर्ट करना है ड्यूटी पर। बंधन की भी इतनी उतावली, बंधन की भी इतनी जल्दी। भीतर का कैदी तो बात छटकने की कोशिश भी करे। हम लोग सैन फ्रांसिस्को में अल्कट्राज कैद देखी, दुनिया की बड़ी मजबूत कैद देखी होगी आप में से भी किसी ने, सैन फ्रांसिस्को गए, कोई कैदी उसमें से छटक नहीं पाए, कुछ 2-3 लोग थे, और उसकी फिल्म भी आई थी अंग्रेजी में, मुझे बताया कि उन्होंने उस कैद से भागने की कोशिश की, कैसे की अब वो वहां के गाइड बताते हैं कि ये उसमें थे, उसने अपना ऐसा मोहरा बनाया, वो बैठे रहे चद्दर ओढ़ के जैसे सो रहा हो, चौकीदार जाए तो लगा कि वो तो सोए हैं, और बाथरूम की पाइप के अंदर से वो लोग निकले, इतनी छोटी सी पाइप, शरीर बड़ा था तो 2 महीने तक तो डाइटिंग किया था कि वजन कम हो जाए पतले हो जाए तो उसमें से भाग निकले, और इतना वेल प्लान्ड
बच नहीं पाए बेचारे, क्योंकि इतना ठंडा समंदर बाहर है, जो गए होंगे उनको पता है। अल्कात्राज जैसी ये कैद में से भी भीतर रहा कैदी भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बंधन में है। लेकिन उसका संतरी कभी कोशिश नहीं करता, वो तो ऐसा ही सोचे बस 60 साल यहीं से रिटायर हो जाए और कभी निकलना ही ना पड़े। वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी नहीं लेता, अगर होता हो मुझे पता नहीं, वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी नहीं लेता। ऐसे ये संसार में जो है, मैं तो कहूं पापी थोड़े अच्छे हैं, जिनको पता हो कि हम पापी हैं, जिनको पता हो कि हम अज्ञानी हैं, जिनको पता हो कि हम अधार्मिक हैं, अच्छे हैं। पता तो है कि अज्ञानी है, पता तो है कि गलती कर रहे हैं, तो आज गलती कर रहे हैं लेकिन कल सुधरेंगे, कल ये गलती का पछतावा होगा, अच्छे मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जो अपने आप को बड़ा धार्मिक समझ रहा हो, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा हो, उसकी तो सुधरने की संभावना नहीं। जब मरीज ही अपने आप को स्वस्थ व्यक्ति समझने लगे, बीमार व्यक्ति जब अपने आप को स्वस्थ समझने लगे, तो उसका कोई इलाज नहीं। कबीर कहते हैं क्यों ये जब कोई नहीं है तुम्हारा तो तुम किसको प्रभावित करने की कोशिश करते, क्यों फंसे हो माया। स्वामी रामतीर्थ ने कहा मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों के। अपने जीवन में ये बादशाही की शुरुआत कब से हो सकती है? कि अपना हेतु तो यही है ना, हम भी बादशाह बने, हम अपने मालिक बने, कब से कैसे शुरुआत होती है? सबसे पहली बात चाहिए उसमें व्यक्ति को लगना चाहिए, मैं जो भी हूं सही हूं, मैं पर्याप्त हूं। इट इज इनफ टू बी वन सेल्फ। मेरे पास क्या है उससे मेरा व्यक्तित्व नहीं बनता, मैं स्वयं जो हूं उससे मेरा व्यक्तित्व बनता है। आई एम नॉट वॉट आई पजेस, आई एम वॉट आई एम। ये जो एक अनुभूति जब हो जाए हमारी, क्या है हमारा पूरा अस्तित्व हमारे पजेशंस पर निर्भर है। मेरे पास कितने व्यक्ति हैं, मेरे पास कितनी वस्तुएं हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अरे लोग कुछ भी कहें, मैं जानता हूं मैं क्या हूं। लोग स्तुति करें तो हम प्रशंसा एकदम वो हो जाते हैं, अरे वाह मैं बहुत अच्छा हूं, क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं मैं अच्छा हूं। और लोग निंदा करें तो हम बड़े, अरे मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं जानता हूं मैं अच्छा हूं। कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है। तो इट इज इनफ टू बी वन सेल्फ। और आपकी इस भावना को दृढ़ करने के लिए, आपके ये पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण आपको कितनी मदद करते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। जीवलोके जीवभूत मम एव सनातन अंशः, ये जीवलोक में जो भी मेरा अंश है, भगवान जब कहते हैं कि तू मेरा है, अब तुम किस पर तुले हो, तुम क्यों दूसरे सहारे ढूंढते हो जब परमात्मा स्वयं तुम्हारे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब कहते हैं कि तुम मेरे हो, तो तुम किस दूसरे को अपना बनाने चले हो? केवल प्रतिध्वनि दे दो, जस्ट एको दे दो, भगवान तो 5000 वर्ष से कहते हुए खड़े हैं कि तुम मेरे हो, एक बार तुम भी तो उसे कह दो हां प्रभु मैं भी तेरा हूं, बात पूरी हो जाए। ये तो ऐसी बात है, भगवान खड़े हैं कहते हैं तुम मेरे हो तुम मेरे हो, और हम ढूंढते हैं कोई है दूसरा जिसको मैं अपना बना सकूं। ये पागलपन, छोड़ो इस पागलपन को। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, 16वें अध्याय का 5वां श्लोक, माशुच संपदम दैवीं
अभिजातो सी पांडव, अर्जुन चिंता मत कर, तो दैवी संपत्ति को लेकर आया है, यू आर डिवाइन। बार बार श्री कृष्ण रेनफोर्स करते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है। नवे अध्याय का 31वां श्लोक, कौंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। कौंतेय प्रतिजानी ही, जा जाकर कह दुनिया से, मेरा भक्त जो मेरा बना है उसका कभी अधःपतन नहीं होता। नमे भक्त प्रणश्यति। विषयांतर करना नहीं चाहता, कबीर जी के साथ ही चलना चाहता हूं, गीता में जला जाऊंगा तो। लेकिन मेरे कहने का आशय यह है कि बार बार श्री कृष्ण हमारी भीतर की धारणा को रिइंफोर्स करते, हमारी बादशाहत को बनाते हैं। प्रभु तू मेरा है। व्यक्ति को जब अपने ऊपर इतना भरोसा आ जाए, कॉन्फिडेंस निर्माण हो जाए, मैं जो हूं पर्याप्त, मुझे कुछ नहीं हो सकता, और या तो मुझे जो हो रहा है वो सही हो रहा है, मैं कौन हूं मेरे प्रति शिकायत करने वाला, जो हो रहा है सही हो रहा है। ये बात जब शुरू, जीवन की सही संपत्ति बाहरी पोजेशंस नहीं है, इनर फुलफिलमेंट है, आंतरिक पूर्णता का अनुभव। क्योंकि जब तक बाहर बहुत कुछ होगा, भीतर खालीपन रहेगा ना, तब तक अशांति है, तब तक दुख है। भीतर से पर परिग्रह का अर्थ लोग समझते हैं कि चलो वो इकट्ठा किया, गलत किया, छोड़ दो तो अच्छे बन जाओगे, ये गलती भी मत करना, नहीं तो इमीडिएटली रिएक्शन व्यक्ति कहता है, वो इतना कहा काहे को माया दुख करी जोरी, छोड़ो सब, ये महल छत्र मैड़ी सब रह जाएंगे यहां पर, न कोई ले गया तो मैं क्या ले जाऊंगा, चलो छोड़ दो। गलती मत करना, क्योंकि वो आप दूसरे दुख में पड़ोगे, फिर एक दुख में से तो शायद निकल पाओ, दूसरे दुख में पड़ोगे। इमीडिएट रिएक्शन ये आता है, प्रतिक्रिया ये आ जाती है, छोड़ दें उसको। लोगों ने ये भी किया ना, छोड़ के चले जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ के चले जाए, क्योंकि छोड़कर भी आप इनर फुलफिलमेंट को ना पाओगे। जो बाहरी पोजेशन आपके पास था, वो होकर जब आपको इनर फुलफिलमेंट ना दे पाया तो जाकर क्या देगा। ये फूल अगर मेरे पास है, मेरे पास रह करके उसने अगर मुझे आनंद ना दिया तो छोड़कर क्या आनंद देगा। सीधा लॉजिक है, अगर आनंद देता तो पास में रहकर दे सकता था, अगर साथ में रहकर आनंद ना दिया तो छोड़कर तो वो आनंद नहीं देगा। फिर छोड़ने की गलती भी मत करना, छोड़ने की जल्दबाजी भी मत करना। आमतौर पर क्या होता है, बाहरी वस्तु या व्यक्ति को इकट्ठा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये व्यक्ति की पहली गलती है कि उसको पकड़ूंगा मैं तो सुखी हो जाऊंगा, माया को इकट्ठा करके सुखी हो जाऊंगा, ये पहली गलती। 25-30 साल निकल जाते हैं उसमें, आधी जिंदगी निकल जाती है, और 50-60 साल होने के बाद पता चलता है कि नहीं, सब इकट्ठा तो हो गया लेकिन सुख तो नहीं आया, बादशाहत तो नहीं आई। अब व्यक्ति एक दूसरी गलती करता है, उसको लगता है छोड़ने लग जाऊं, वो दूसरी गलती करता है, छोड़ लगता है, भीतर की संपत्ति तो नहीं आई, बाहर से छोड़ दिया तो वापस से वो भीतर की रिक्तता और बाहर की रिक्तता, दोनों रिक्तता इकट्ठी हुई तो वापस अब दूसरे जन्म में बाहर का इकट्ठा करना शुरू करता है, और ही रिग्मारोल, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम चलते रहता, यही गलती बार बार चलते रहती। अपरिग्रह का अर्थ है आंतरिक पूर्णता का अनुभव। जनक विदेही त्यागी दृष्टांत मैंने कई बार दिए हैं, प्रदिग्धायाम मिथिलायाम नमे दहियति कश्चन, मिथिला नगरी जल रही हो, मेरा क्या जलता है। जब तक ये भाव ना होगा तब तक मैड़ी महल बावड़ी छाजा छाड़ी गए सब भूपति राय सब छोड़ के गए। इसमें कबीर जी ने ये जड़ वस्तुओं को देखिए, मां को बंधन भाई साथी उसमें व्यक्तियों के बारे में कहा, जीवंत लोगों के बारे में कहा, और ये तीसरी लाइन में तीसरी जो दोहा उसमें
तीसरी चौपाई में मेड़ी बहल बावड़ी छाजा छाड़ी गई, ये मेड़ी महल बावड़ी छाजा, ये जड़ वस्तु वस्तुओं के बारे में। दो ही तो इकट्ठा करो, या तो व्यक्तियों को इकट्ठा करो या तो वस्तु को इकट्ठा करो। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। आध्यात्मिक रूप से कहूं कि जो नासमझ लोग होते हैं ना परिग्रह के मार्ग में, वो व्यक्तियों के पीछे दौड़ते हैं। नासमझ लोग सुनता है बहुत सारे यार लोग मेरे पास में इकट्ठे हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बड़े नासमझ लोग हैं। ये व्यक्ति को पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल है। जब तक तुम उसके ट्यून पर नाचोगे तब तक वो व्यक्ति तुम्हारा बन के रहेगा। थोड़ा सा अगर तुमने उसकी मनमानी नहीं की तो तुम्हारा विरोधी हो जाएगा। क्यों? नहीं, पहले सब ठीक था लेकिन अब है ना जरा, अब और कुछ नहीं, तेरे मन पे नहीं नाचा वो, तेरे ट्यून पे नहीं नाचा, इसलिए अब जरा ये हो गया। व्यक्ति को तो व्यक्ति पर का जो पोजीशन है जाता ना वो तो बहुत दुखी रहता। ये नासमझ लोग हैं जो व्यक्तियों को पकड़ने चले। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो थोड़े बुद्धिमान लोग हैं, थोड़े मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द पन बिहाइंड, आध्यात्मिक विषय में जो थोड़े से बुद्धिमान लोग हैं ना वो व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वो वस्तुओं के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े समझदार लोग, क्योंकि वो इतना समझते हैं कि व्यक्ति को संभालना मुश्किल है, अब सब कुछ पकड़ना ही है, कुछ भरना ही है, तो वस्तु से भर लो। क्योंकि वस्तु में, इसलिए पहले कबीर ने क्या कहा व्यक्तियों के बारे में, कहा मां भाई साथी कोई नहीं, वो तो पागल लोग हैं। जो थोड़े समझदार हैं वो वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। क्यों? वस्तु को इकट्ठा करने में एक शांति है। वस्तु जड़ है इसलिए वस्तु का अपना कोई ओपिनियन नहीं होता, और जब अपना कोई ओपिनियन नहीं होता तो ओपिनियन बदलने की तो बात ही नहीं आती। कोई ऑब्जेक्ट कभी आपके बारे में ओपिनियन न तो फॉर्म करता है, न तो चेंज करता है, न तो बदलता है। और वस्तु के मालिक बनना मतलब आपकी 100% मालिकी। व्यक्ति के मालिक बनने में डेंजर है, खतरा है, क्योंकि वो व्यक्ति कब आपके ऊपर हावी हो जाए कह नहीं सकते। वस्तु के मालिकियत वो 100% मालिकियत है वस्तु की ओर से। क्यों? क्योंकि आप वस्तु जब ले आते हो तो वस्तु बिल्कुल आपका कहा करती है। आप वस्तु को कहो कि यहां ग्रह हो या ये दिया रखा पड़ रहा है यहां पर, या ये घड़ी है रखी यहां पड़ी रहेगी, जब तक मैं उसको छूंगा नहीं यहीं पड़ी रहेगी, बिल्कुल न हिलेगी न चलेगी कुछ नहीं करेगी, जब मैं पकड़ना चाहूं तो आ जाएगी। वो ऐसे कहेगी नहीं कि नहीं अभी मेरी इच्छा नहीं है, वो नहीं कहेगी। मैं जब छोड़ना चाहूं तो छूट जाएगी, मैं उसे छोड़कर चला जाऊं तो पड़ी रहेगी यहां पर, वो मुझे बोलेगी नहीं कि ले जाओ मुझे। वस्तु के ऊपर जो मालिकियत है ना वो 100% वो, मैं मजाक में कहता हूं, ये आध्यात्मिक क्षेत्र के थोड़े समझदार लोग, कम से कम वो व्यक्तियों की झंझट में तो नहीं पड़ते। अगर कुछ बाहरी से ही भरना है तो व्यक्तियों से भरने की बजाय वस्तुओं से भर दो, बिल्कुल आपका कहा सुनेगी वस्तु। व्यक्ति नहीं सुनते, पत्नी पति की बात नहीं सुनती, पति पत्नी कहे कि यहां बैठो, क्या करूंगी बैठ के, अरे बैठो कहां ना बैठ जाओ, नहीं बैठते। पत्नी पति की बात और पति पत्नी की बात नहीं सुनता, क्योंकि पत्नी भी पति को मालिक, पत्नी पति के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। पति कहीं बाहर जाए और पत्नी को न ले जाए, पत्नी कहती है यू आर इग्नोरिंग मी, आपकी गाड़ी आपसे कहेगी गैराज में पड़ी रहे आप न ले जाना चाहो, गाड़ी कहेगी जाओ क्या बात पड़ता, तो आपकी गाड़ी आपके पीछे टों 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 करके नहीं आती, पत्नी आती है। मालिक बनने में ये एक शांति है कि वस्तु पर आपकी सत्ता पूर्ण रूपेण चलती, तो उसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आप जो चाहो वस्तु कर देती। गाड़ी को आप बेचना चाहो बेच दो, गाड़ी ये नहीं कहेगी अरे क्यों अभी तो 6 महीने हुए, गाड़ी कोई तर्क नहीं करेगी, कोई दलील नहीं करेगी,
बिल्कुल चली जाएगी शांति से। आपने जिसको बेचा चाबी उसके हाथ में दे दी, वो ठुरो करके लेके चले, गाड़ी आपको पीछे मुड़कर टाटा भी नहीं कहती, कुछ नहीं कहेगी, यू आर 100% मालिक, बिल्कुल आपकी मर्जी की। तो ये जो कुछ समझदार लोग हैं वो व्यक्तियों के मालिक बनने की कोशिश नहीं करते, वस्तु के मालिक बनने की कोशिश करते, लेकिन वो भी पागल तो है। जो सच्चे अर्थों में एनलाइटेंड है, जो जागृत है, वो दोनों को छोड़ते हैं। पास में रहे लेकिन मालिक बनने का प्रयास नहीं करते। अब आप परिग्रही हैं या नहीं, क्योंकि वस्तुएं तो हम सभी के पास हैं, व्यक्ति भी हम सभी के पास हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं तो हम वस्तु और व्यक्ति के बिना तो रह नहीं पाएंगे, सोशल एनिमल्स हैं। तो पता कैसे चले कि आप परिग्रही हैं या नहीं हैं? वस्तु तो परिग्रही के पास भी है और अपरिग्रही के पास भी है, और छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह भी मैंने बताया। तो अब कैसे पता चले? एक प्रश्न अपने आप से पूछो कि आपके आसपास जो वस्तु या व्यक्ति हैं उससे आपके व्यक्तित्व में और आपके अस्तित्व में कोई बढ़ोतरी हुई है, ऐसा आपको लगता है? डू यू फील एनरिच्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ समबडी और समथिंग अराउंड यू? डू यू फील दैट दैट पर्सन और एन ऑब्जेक्ट एड्स टू यू? अगर तुम्हें यह लगता है कि यह वस्तु की उपस्थिति या तो यह व्यक्ति की उपस्थिति आपके एग्जिस्टेंस में ऐड करती है कुछ, तो समझ लेना कि आप परिग्रही हैं, आप उस वस्तु के या व्यक्ति के गुलाम हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो समझना आप अपरिग्रही हैं। बस फिर वस्तु रहे व्यक्ति रहे, आप अपरिग्रही, क्योंकि आपका अपना अस्तित्व है, आप अपने स्व के साथ जुड़े हुए हैं, और आपका जो प्योर सेल्फ है वो इतना रिच है, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग टू एनरिच इट अगेन और एनरिच इट मोर, वो इतना संपन्न है, किसी की जरूरत। और इसका अर्थ कोई ये ना समझे कि वस्तु या व्यक्ति का तिरस्कार है, वो ठीक है तो है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन उस वस्तु से या उस व्यक्ति से आपके प्योर सेल्फ में, आपकी आत्मा में कोई रंग नहीं लगता। मैं दाग की बात नहीं करता, रंग नहीं लगता, सफेद या काला कोई भी रंग नहीं लगता वहां पर, तो समझना आप अपरिग्रही। और इस बात के लिए ये कैसे हो, इसका उपाय कबीर बताते हैं, कहे कबीर राम ल्यो लाई। कबीर कहते हैं ये अगर करना है तो राम से प्रेम करो, बस। ये माया तो यही धरी रही, माया काहू न खाई, ये माया तो यही पड़ी रहेगी, कोई कोई उसको भोग नहीं सका, सब भ्रांति में रहे। माया का सुख चार दिन, कह तू गहे गवार, सपने पायो राजधन, जातन लागे बार। कबीर कहते हैं माया का सुख तो चार दिन है, गंवार हे मूर्ख, कब तक तू पकड़ के बैठा है उसको, कहां तू गहेगा गंवार, सपने पायो राजधन, सपने में राजधन मिला, जैसे ही जागे चला गया, जातन लागे बार। तो जैसे स्वप्न देखते ही देखते टूट जाता है, ऐसे माया से जो आपने पकड़ के रखा था वो तो देखते ही देखते चला जाता है। माया का स्वप्न कब टूटता है? तीन प्रसंग हैं जीवन में आते हैं सभी के, जब माया का स्वप्न टूटने का मौका परमात्मा देता है। सबसे पहला प्रसंग मृत्यु के समय, पहले मतलब मैं क्रोनोलॉजिकली नहीं कहता, मृत्यु के समय माया का स्वप्न टूटता है, समझ में आता है कि कुछ साथ में नहीं आता, जितना भी इकट्ठा किया था कुछ साथ में नहीं आता, यहीं का यहीं पड़ा रह जाता। दूसरे
माया से जो इकट्ठा किया है वो भोगने की शक्ति क्षीण हो जाए तब पता ये स्वप्न टूटता है। इंद्रियों की शक्ति जब क्षीण होती चली जाए तब पता चलता है कि कुछ साथ में नहीं आता। और तीसरा, जब ज्ञान हो जाए तब पता चलता है कि माया का स्वप्न टूटा है। ज्ञान की जब जागृति आ जाए तब पता चलता है कुछ साथ में नहीं आता। क्योंकि कुछ साथ में नहीं आता ये शब्द तो हम सभी को पता है, लेकिन ज्ञान जब हो जाए, अनुभव, एक बात आएगी मैं ज्ञान की आंधी में, अनुभव जब हो जाए तब पता चलता है। ये तीन बातों में फिर माया व्यर्थ हो जाती है, फिर माया प्रभावित नहीं कर सकती। जब तक ये नहीं होगा तब तक एक छूटेगा दूसरा पकड़ोगे, दूसरा छूटेगा तीसरा पकड़ोगे, एक माया छूटी तो दूसरी माया को पकड़ने दौड़ोगे। हमारे फोगटलाल जी को ऐसा हुआ, मैं जब गुजराती में प्रवचन करता हूँ ना तो कचरालाल नाम रखता हूँ, और हिंदी में प्रवचन करता हूँ तो फोगटलाल रखता हूँ। फोगटलाल जी की एक के बाद एक तीन पत्नियां चल बसी, तो फोगटलाल ने चौथी बार ब्याह किया। फोगटलाल ने तो ब्याह किया लेकिन गांव लोगों को बड़ी समस्या हो गई कि अब इसको गिफ्ट में दें क्या। व्यक्ति एक बार ब्याह करे तो देने वाले को भी अच्छा लगता है लेकिन करता ही चला जाए। और यूं ऐसा हुआ था कि जैसे जैसे ब्याह की संख्या बढ़ती जाती थी ना गिफ्ट कम होती जाती थी। लोग बड़े व्यवहारू होते हैं, समझते हैं, किसी के घर पहली बार जाओ तो अच्छी बात लेकर जाओ, दूसरी बार जाओ तो उससे थोड़ा कम, तीसरी बार जाओ तो उससे थोड़ा कम, सब गिनती करते हैं, सबके अपने अपने शक्ति और मर्यादाएं होती। तो ये फोगटलाल ब्याह क्यों ब्याह करते जाए तो लोग गिफ्ट छोटी छोटी करते गए थे। चौथी बार जब हुआ तो मित्र वर्तुल जो आसपास के लोग थे उनके स्वजन सोचने लगे कि अब दें क्या इसको। कार्ड देने का कोई अभी वो नहीं रहा क्योंकि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स क्या कहें इसको, या तुम सुखी रहो, अरे तीन बार नहीं रहा चौथी बार क्या रहेगा ये, और व्यवहार भी है देना भी चाहिए। तो स्वजनों ने मिलकर एक निश्चय किया और फोगटलाल जी को एक चंद्रक, एक मेडल भेंट किया जिस मेडल के ऊपर लिखा था विक्ट्री ऑफ होप ओवर एक्सपीरियंस, अनुभव के ऊपर आशा का विजय, ऐसा मेडल फोगटलाल जी को पहनाया गया चौथी ब्याह। मैं जब फोगटलाल की बात करूं तो आप बड़े हंसने लगते हैं लेकिन पता है ये आपकी बात है, ये पूरे जीवन में यही होते रहता है, अनुभव के ऊपर आशा का विजय होते रहता है। एक माया, फोगटलाल की तीन पत्नियां थी, आपने कितनी पत्नी कितनी माया बदली, बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे, अनुभव के ऊपर आशा का विजय। एक बात समझ लीजिए, कबीर कहते हैं राम को भज लो, क्यों, कारण है उसके पीछे दो बातें हैं माया में, एक तो है हैविंग और दूसरा है बीइंग। हैविंग पोजेशन माया और बीइंग राम, प्रभु की भक्ति, होना, शुद्ध होना, उसे कहते हैं बीइंग। ये संसार में हैविंग का तो कोई अंत ही नहीं है। पोजेशन जब इकट्ठा करने जाते हो, चीजें इकट्ठी करने जाते हो, वस्तु व्यक्ति विचार इकट्ठे करने जाते हो, उसका कोई अंत ही नहीं, अंत भी नहीं है, और मैं तो आगे चलकर यह भी कहूं कि वो असंभव भी नहीं। इकट्ठी करते हैं वो, और बीइंग मतलब होना, शुद्ध होना, प्योर बीइंग। याद रखिए इस संसार में हैविंग का कोई अंत भी नहीं है, और आगे चलकर कहें तो वो असंभव भी नहीं, हैविंग का कोई अंत नहीं, और असंभव भी लगता हो शायद आपको कि अरे ये इच्छा है लेकिन इम्पॉसिबल अपने लिए, क्या कुछ भी इस संसार में इम्पॉसिबल नहीं।
जिनको भाषा में रसन उनके लिए मैं कहूँ, अंग्रेजी में पागल के लिए शब्द है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक मतलब पागल। आपको पता है वो कहाँ से आया है शब्द? ल्यूनर के ऊपर से आया, ल्यूनर यानी चंद्र। ल्यूनेटिक मतलब जो चंद्र पर जाने की कोशिश करता है, जो चंद्र को पाने की कोशिश करता है, उसे कहा पागल। प्राचीन 500, 200, 500 वर्ष पहले, क्योंकि व्यक्ति कोई बैठा होगा और उसने देखा होगा चंद्र, उसको इच्छा हो गई ये चंद्र पर मैं चला जाऊं, ये चंद्र को मैं पालूं, लोगों ने कहा पागल, ल्यूनेटिक। हाउ कैन यू डू दैट, इट्स इम्पॉसिबल। हिंदी में भी ऐसा एक शब्द है ल्यूनेटिक का, बिल्कुल ट्रांसलेशन चाहिए ना तो वह है चांद मारा। वही अर्थ, एटिमोलॉजिकली दे आर द सेम। चांद मारा मतलब चंद्र का इतना आकर्षण जिससे हो गया, जो बस दिन रात चंद्र के बारे में ही सोचता है, चंद्र पर कब जाऊं, चंद्र को कैसे, यही सोचते रहता है। तो हिंदी में चांद मारा यानी पागल, ये चांद मारा है। ल्यूनेटिक और चांद मारा दोनों संस्कृतियां अलग लेकिन शब्द एक। लेकिन वो प्राचीन समय की बात हो गई जब चंद्र असंभव दिखाई पड़ता था। अब आज के जमाने में ल्यूनेटिक का अर्थ मुझे तो लगता है डिक्शनरी में बदल देना चाहिए। ल्यूनेटिक का अर्थ होना चाहिए बुद्धिमान, ल्यूनेटिक का अर्थ होना चाहिए संपन्न व्यक्ति, ल्यूनेटिक का अर्थ होना चाहिए डिटरमाइंड व्यक्ति। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो जा सकता है, जो संपन्न है वो जा सकता है। अमेरिका में तो बुकिंग शुरू हो गया है, बाय द ईयर 2020 यू कैन प्रोबेबली गो ऑन मून फॉर वेकेशन, और इसका बुकिंग शुरू हो गया। वो कहते हैं कि 2020 की साल तक, यानी आने वाले बस 15 वर्ष में, हम लोगों को चंद्र पर वेकेशन के लिए भेज सकेंगे। और जो संपन्न लोग हैं, संपत्ति बहुत चाहिए उसके लिए, मगर स्पेस शटल में जाना, बुकिंग शुरू किया। तो जो बुद्धिमान है वो जा सकेगा और जो संपत्तिवान है वो जा सकेगा। ल्यूनेटिक का अर्थ बदल दो, अब ल्यूनेटिक को पागल मत कहो। मेरे कहने का आशय कि वस्तु की अपेक्षा उसका कोई अंत नहीं है और वो असंभव भी नहीं है। आज आपको असंभव लगती हो, कल वो असंभव ना भी हो। अरे चंद्र की बात छोड़ो, टेलीफोन आज से 10 साल पहले कितना असंभव लगता था, टू हैव अ फोन कनेक्शन, नया घर लो तो फोन के लिए वो त्रिपाठी और यादव उनको कहो अरे भाई आओ आओ, हमारा वो दिवाली मांगेगा, ये करेगा, फोन बिगड़ गया है तो हफ्ते भर के बाद आएंगे, वहां लाइन में ऐसा है। 10 साल के पहले किसी की पहचान ले आओ, मिनिस्टर की साइन ले आओ, तुम्हारा फोन जल्दी से लग जाए और घर में फोन लग जाना, बड़ी वो हो, इनके घर तो फोन है। आज सब्जी वाला मोबाइल लेके घूमता है। 10 साल में इतना फर्क पड़ गया। सामने से आते हैं, ले जाओ फोन, ले जाओ, पैसे बाद में देना चलेगा, ले जाओ एक बार पकड़ पकड़ के। तो अब आज से 10 साल पहले अगर कोई व्यक्ति सोचता होगा मेरे घर में फोन आ जाए कितना अच्छा होगा, और उसके पिताजी ने कहा अरे पागल है, हम कहां इतने बड़े हैं, हमारे घर में फोन कैसे हो सकता है, क्या जरूरत है। अपेक्षा के क्षेत्र में कोई अंत नहीं है और असंभव नहीं है, और यही उसका दुख है। क्योंकि जितना आप पाते रहोगे उतनी वो बढ़ती रहेगी, यही उसका दुख है। न पाया तो भी दुख, पा लिया तो भी दुख। और इसलिए कबीर कहते हैं काहे को माया दुख करी जोड़ी, न पाया तो भी दुख, पाया तो भी दुख। सिकंदर के समय में ग्रीस में जो कुछ महापुरुष थे, तत्वचिंतक थे, उनमें से एक महापुरुष था सेंट डायोजिनस। डायोजिनस ने एक बार सिकंदर से पूछा, अलेक्जेंडर से पूछा कि तू ये विश्व विजेता बनना चाहता है? सिकंदर ने कहा हाँ, मैं पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता हूं। डायोजिनस ने पूछा एक क्षण के लिए तू जरा सोच, समझ ले तूने पूरी दुनिया को जीत लिया, फिर तू क्या करेगा? बन गया तू मालिक पूरी दुनिया का, अब सोच क्या करेगा तू। लिखा है इतिहास में
कि अपने गुरु डायोजिनस का ये प्रश्न सुनकर सिकंदर कुछ क्षणों के लिए उदास हो गया, डिप्रेस हो गया। उसने कहा कि उस स्थिति के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, अभी तक मैं केवल एक ही मेरा लक्ष्य रखा था कि मैंने दुनिया को जीतना है, विश्व विजेता बनना है, यही सोचा था, लेकिन वो बन जाऊंगा फिर क्या करूंगा, आई नेवर थॉट अबाउट इट। और आदमी तो वो भी बुद्धिमान था, सिकंदर कोई पागल तो था नहीं, सोच लगा क्या करूंगा। उसने ये भी कहा कि कोई दूसरी दुनिया भी नहीं है कि जो मैं पा सकूं, दुनिया तो एक ही है ये, और उसका मालिक बन जाऊं फिर क्या करूंगा। सिकंदर ने कहा कि आफ्टर दैट आई विल बी अनएम्प्लॉयड, मैं बेकार हो जाऊंगा फिर, क्योंकि जब तक ये दुनिया को जीतना है तब तक कुछ काम है कि कुछ करना है, कुछ करना, कुछ एम्प्लॉयमेंट है, दुनिया को जीत लूंगा फिर मैं बेकार हो जाऊंगा, आई विल बी अनएम्प्लॉयड। सिकंदर भी बेकार हो सकता है, उस समय लगा था, अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो चांद भी है, दूसरी दुनिया मिल गई, चंद्र मिल गया तो फिर मंगल पे पहुंचोगे, मंगल मिल गया तो गुरु पे पहुंचोगे। कोई अंत नहीं, अपेक्षा का। दूसरा एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, ये प्रसंग मैं इसलिए कहता हूं सिकंदर के, और ये ताकि अपनी अपेक्षाओं पर थोड़ी सी लगाम लग जाए। बस लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह अत्यंत संपत्तिवान, और जो कोहिनूर हीरा हम सुनते हैं जिसके बारे में, और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में देखते हैं जाकर के, वो कोहिनूर लंदन टावर के नीचे वो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह जी का था, उनकी मालिकी का, जिसके साम्राज्य पर कभी सूर्य का अस्त नहीं होता, ऐसी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ नहीं विक्टोरिया थी उसकी, तो क्वीन विक्टोरिया, एलिजाबेथ तो आपकी विक्टोरिया, तो वो क्वीन विक्टोरिया, उसने जब देखा रणजीत सिंह जी के पास ऐसा हीरा है, कोहिनूर रत्न है उसके पास, महारानी ने सोचा ये तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास जिस साम्राज्य पर कभी सूरज का अस्त नहीं होता, इतनी दुनिया भर में फैला हुआ साम्राज्य, और उसकी महारानी विक्टोरिया, उसका मन वो एक कोहिनूर हीरे में लग गया, ये नहीं है मेरे पास, वो चाहिए, कैसे मिलेगा। और रणजीत सिंह को भी पता चला कि महारानी को चाहिए, ब्रिटिश एम्प्रेस को, राजा थे ना, उनको भी मस्ती सूझी, जब से उनको पता चला कि ब्रिटिश की महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को ये हीरा चाहिए, रणजीत सिंह ने स्वयं वो हीरा पहनना बंद कर दिया, अपने घोड़े पर लटकाते थे, अपने महाराजाओं की उसके लिए एक अलग शिविर करनी चाहिए मुझे, ये महाराजाओं की जो मस्ती थी। हमारे काठियावाड़ में एक राजा थे बापू, रॉल्स रॉयस चाहिए थी उनको, और उस जमाने में रॉल्स रॉयस ओवर द शेल्फ नहीं मिलती थी, रॉल्स रॉय अगर चाहिए गाड़ी तो उसको बुक करनी पड़े, और जब आप ऑर्डर प्लेस करो तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आते हैं, एसेस करते हैं कि इसकी व्यक्ति संपत्ति कितनी है, कैन ही अफोर्ड अ रॉल्स रॉय, अफोर्ड नहीं, कैन ही मेंटेन अ रॉल्स रॉय, और वो रॉल्स रॉयस में चलेगा तो रॉल्स रॉय की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, इसकी तो बढ़ेगी लेकिन वो गाड़ी की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, तो दे यू नेवर यूज टू सेल दैट कार टू एनी टॉम डिक एंड हैरी, और कस्टम मेड होती थी, ईच कार वुड बी अ कस्टम मेड कार। कुछ ऐसा हो गया कि वो रॉल्स रॉयस के प्रतिनिधि जब आए, उन्होंने ये महाराजा को नहीं दी गाड़ी, उन्होंने सोचा कि देने जैसी नहीं है यहां पर, तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, नो वी कैन नॉट डिलीवर अ रॉल्स रॉय, राजा वाजन वांद्रा, यू डोंट सेल मी रॉल्स, ले आए कहीं से, किसी की सेकंड हैंड लाई या किसके पास थी, उसको दुगुनी कीमत दे करके, एक नहीं दो रॉल्स रॉय। और क्या किया, एक रॉल्स रॉयस में अपने कुत्ते और कुतिया के ब्याह कराए, उसकी बारात रॉल्स रॉय में निकाली कि कुत्ते की बारात रॉल्स रॉय में, और दूसरी रॉल्स रॉय का काम क्या,
पूरे शहर में से कचरा निकालना, रोल्स रॉय में, ये हकीकत है, इतिहास, जुल्फिकार अली भुट्टो के फादर, जूनागढ़, जूनागढ़ के नवाब। तो रोल्स रॉय को काम क्या, वो जो कचरा साफ करे, ट्रक तो चाहिए ना कचरा ले जाने के लिए, वो रोल्स रॉयस में, और फोटो निकलवा के कंपनी को भेजे, ये तुम्हारी रोल्स रॉयस, नहीं देना चाहते थे मुझे तो राजा। रणजीत सिंह जी को पता चला कि जो मेरा कोहिनूर रत्न है और विक्टोरिया की आंखों में, तो अपने स्वयं पहन रहे, ये तो मेरा घोड़ा पहनता है, घोड़े के ऊपर लटका के रखते थे, और विक्टोरिया को बड़ी दुख होता था इसका, पूरे साम्राज्य की संपत्ति का सुख चला गया वो एक कोहिनूर पे। जब तक रणजीत सिंह जी थे तब तक तो ले ना पाई, जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई उस वक्त लॉर्ड डेलहाउजी ने खालसा सिस्टम निकाली थी कि कोई, क्योंकि वो ग्रैब ही करना चाहते थे ना पूरा एम्पायर, कोई भी राजा की मृत्यु हो जाए और उसको संतान न हो, पुत्र संतति न हो, या हो लेकिन छोटा हो, नाबालिग हो, 18 वर्ष से कम हो, माइनर हो, इस बहाने रणजीत सिंह जी के राजकुमार को जो नाबालिग था, 18 वर्ष से कम था, उसको ब्रिटेन ले गए, उसके साथ वो हीरा भी ले गई, और ये छोटा बालक ये मूल्यवान रत्न को संभाल नहीं पाएगा, हम उसकी सुरक्षा करते हैं, इस बहाने कोहिनूर ले लिया, और वहां पर उस राजकुमार को पढ़ाया लिखाया, उसकी शिक्षा हम करा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं उसको, ये सब इस बहाने ले गई, हीरा ले लिया, राजकुमार तो बड़ा हो गया, हीरा लौटाया नहीं, जीवन भर वो रणजीत सिंह जी के राजकुमार जो थे पब्लिकली कहते थे कि ये औरत चोर है, क्वीन विक्टोरिया को कहते थे ये औरत चोर है, उसने हमारा कोहिनूर ले लिया है, आज भी नहीं लौटाया उन्होंने। छोड़ो, मेरे कहने का आशय कि अपेक्षाएं जो हैं वो अंतहीन है, पूरा इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी एक छोटा सा पत्थर उसकी आंखों में रह गया और उसको अपनी अपूर्णता पता, हैविंग का कोई अंत नहीं। इसके छूटने के लिए केवल एक ही उपाय है जो कबीर कहते हैं, कहें कबीर राम ल्यों लाई, राम से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, और कोई चारा नहीं। दूसरा पद, अब जरा एक जो भूमिका थी वो मैंने बांध ली, अब दूसरा पद तुरंत आपको पता चल जाएगा। मेरी मेरी करता जन्म गयो, जन्म गयो परिहरि न कहो। कबीर जी कहते हैं मेरा मेरा करते हुए, हरि ने बचता, मेरा मेरा करते हुए पूरा जन्म चला गया, हरि ने बचता, जन्म चला गया पूरा, लेकिन हरि न कहो, भगवान का नाम कभी नहीं लिया। मेरा मेरा मेरा, यही तो माया है ना। कांता इमे मे, तनया इमे मे, गृहा इमे मे, पशवस्त्विमे मे, एवं नरो मेष समान रूप, मे मे कृतः काल वृकेण नीत। सुभाषितकार कहते हैं मे मे मे, भेड़िया है ना, बकरी, घेटा, भेड़ बकरी क्या करती, वो उसका यही आवाज होता है मे 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 मे, और संस्कृत में मे शब्द का अर्थ है मेरा। लोग क्या कहते हैं, कांता इमे मे, इमे कांता मे, ये पत्नी मेरी है, कांता इमे मे, तनया इमे मे, ये तनया, ये पुत्रियां मेरी हैं, गृहा इमे मे, प्लुरल है, ये घर मेरे हैं, पशवस्त्विमे मे, ये पशु उस समय में संपत्ति मानी जाती थी, तो ये सारे पशु मेरे हैं, एवं नरो मेष समान रूप, ये मनुष्य भी मेष, मेष यानी घेटे, शिप के समान है, भेड़ के समान, क्या करता है, मे करता है, और जब भेड़ बकरियों का समूह जंगल में जाता है ना चरने के लिए, मे करते रहते हैं, उसमें से कोई एक वरु आ जाता है, वृक, और आक्रमण करता है, उसमें से किसी भी एक को पकड़ लेता है, खींच ले जाए, मुंह में फाड़ के वो खींच ले जा रहा है,
मार रहा है तब भी वो मरो, वो जो भेड़िया है ना, मैं अरे मर रहा है अभी भी मैं। तो ऐसे काल वृक, काल रूपी वरु, मृत्यु रूपी वरु पीछे पड़ा है वृक, और मनुष्य भेड़िए की तरह मैं करते रहता, मेरी मेरी करता जन्म गयो परिहरी न कहो। कभी भगवान का नाम ही नहीं। 12 बरस बालपन खोयो, 12 साल की उम्र तक वो तो बालपन में ही, बचपन में ही खो दिए। और 20 बरस कछु, यहां पर तन लिखा है, तन नहीं है तप है। 20 बरस कछु तप न कियो, 20 साल की उम्र हो गई तब तक कोई तपश्चर्या नहीं की, प्रभु का स्मरण नहीं किया। 30 बरस तय रामन सुमीरो, प्रभु का स्मरण भी नहीं किया 30 साल तक। फिर पछिताना बिरिध भयो, फिर वो पछताने लगा कि अब बिरिध भयो, बिरिध मतलब बूढ़ा भयो। कबीर जी के इस दोहे को समझना, लोग कहेंगे 12 साल बचपन बालपन खोयो, तो चलो 12 साल का बचपन, फिर 20 बरस यानी नॉट टिल द एज ऑफ 20, नो, 12 साल के बाद 20 साल, मतलब 12 साल तक बचपन था, उसके बाद 20 साल, मतलब टिल द एज ऑफ 32 कोई तप नहीं किया, केवल भोग के पीछे दौड़ा, और उसके बाद 30 साल मतलब 62 तक राम का स्मरण नहीं किया, और 62 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद व्यक्ति सोचता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं, अब क्या करूंगा। यही बात श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने चरपट पंजलिका स्तोत्र में कही थी, पुस्तक में देखिए आपके पास है 37वें पन्ने पर चरपट पंजलिका स्तोत्र। कल इसलिए साथ में रखना प्रभात फेरी में, क्योंकि प्रभात फेरी करते करते हम ये स्तोत्र बोलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। 7वां जो श्लोक है चरपट पंजलिका स्तोत्र में, बालस्तावत क्रीडासक्त तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंता मग्न परे ब्रह्मणी कोपि न लग्न, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुग्रह करणे। बालस्तावत क्रीडासक्त, बचपना था तब बचपन में खेलने में चला गया, तरुणस्तावत तरुण ही रखता, जब तरुणावस्था आई, युवावस्था आई, तो युवाओं ने क्या किया, युवाओं ने केवल युवतियों को देखा और युवतियों ने युवकों को देखा, उसी में जवानी चली गई। वृद्धस्तावत चिंता मग्न, वृद्धावस्था जब आई अब चिंता किए बैठे हो कि अब बिरिध भयो, 30 बरस तय राम रस मिरो, फिर पछिताना बिरिध भयो, अब वृद्ध हो गया, परे ब्रह्मणी कोपि न लग्न, लेकिन परब्रह्म में कभी चित्त नहीं लगाया, भज गोविंदम गोविंदम भजन। सूखे सरोवरी पाली बंधावे लूने खेती हठी बारी करे, कबीर जी कहते हैं अब सरोवर सूख गया, पूरा जीवन खत्म होने आया, अब तो उसके ऊपर पाली बंधाता है, अब उसके बॉर्डर बनाता है, पानी भर रहा था उस समय अगर मर्यादा, यानी इंद्रियों की शक्ति अब खत्म होने आई है, 60-65 साल हो गए, अब नहीं, अब हम फिल्म देखने नहीं जाते, तो जा के करेगा क्या, जब जवानी थी तब तो शुक्रवार के पहले शो में तू भागता था, अब 3 घंटे बैठ नहीं सकता तू कुर्सी में, तो तू फिल्म देखने नहीं जाते। तो ये है सूखे सरोवरी पाली बंधावे, पूरा सरोवर सूख गया, 70 साल की आयु हो गई, अबे तड़ेलू बंद करू छो, पचावी तो जो खाई ने, या डायबिटीज होने के बाद मीठा बंद किया है, ये सूखे सरोवर पर पाली बनाने की प्रक्रिया है। जब शक्ति थी तब संयम करते तो उसका महत्व था, तो शायद जब पानी भरा था उस समय पाली बांधते तो सरोवर सूखता नहीं। सूखे सरोवरी पाली बंधावे लूने खेती हठिबारी करे, खेत जब चोर चोरी करके ले गए
अब उसके तो आसपास वॉल लगाता है, बाड़ लगाता है, बाड़ी लगा रहा है। तो आयो चोर तुरंग ही ले गयो मोहड़ी राखत मुगद फिरे। चोर आकर के तुरंग घोड़े को ले गया, अब तू मोहड़ी रख पकड़ के बैठा है। मोहड़ी सेडल घोड़े के ऊपर जो बैठने का होता है। तो चोर आके के घोड़ा चुरा के ले गया, अब तुम सेडल लिए घूमते हो, पकड़ के रखते हो आप, ठीक। पूरा जीवन व्यतीत हो गया। चोर आके तुरंग, तुरंग ये कौन सा है? तुरंग कामनाएं नष्ट हो गई। हमारे यहां घोड़ा कामना का प्रतीक माना गया है, लस्ट का प्रतीक माना गया है। तो ये समय रूपी चोर, काल रूपी चोर आकर के तेरी शक्तियों को क्षीण कर गया, और अब तू फिर भी अपेक्षाएं लेकर घूमता है कि और कोई घोड़ा मिल जाए तो एक और सैडल और फिर बैठ जाए उसके ऊपर। ये आती था वृद्धावस्था आ गई। शुक्राचार्य जी से कहा कि अब मेरी इच्छा पूर्ण है, मुझे जवानी चाहिए, अभी तो बहुत काम भुगतने बाकी है, भोग भुगतने बाकी। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तेरे 5 पुत्रों में से कोई तेरी जवानी ले ले, तेरी वृद्धावस्था ले ले और उसकी जवानी देने को तैयार हो जाए तो मैं दे सकता हूं। और भोग भुगतने का भूखा ऐसा ही ययाति अपने पुत्रों के पास जवानी की भीख मांगने चला है कि है कोई बेटा जो मेरी वृद्धावस्था ले ले और मेरी जवानी, उसकी जवानी मुझे दे। कवि मुकुल चौकसी की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, गुजराती भाषा में, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। पूछू मैं कौन छे, उत्तर मळ्यो ययाति छे। कभी बैठे होंगे, लिख रहे थे घर में कुछ और दरवाजे पर दस्तक हुई। कभी कहते हैं पूछू मैं कौन छे, पूछा मैंने कौन है, उत्तर मळ्यो ययाति छे, बारणू खोली ने जो तो आखी मनुष्य जाति छे। दरवाजा खोल के जब देखा तो पता चला पूरी मनुष्य जाति, सभी के भीतर एक ययाति जी रहा है। घोड़े चले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं और मोहड़ी को पकड़ के बैठे हैं सब लोग, और कोई कामनाओं की अपेक्षा लगाए हुए बैठे हैं सब। शीस चरण कर कंपन लागे, नयन नीरु असराल बहें, जीभ्या बचन सूद नहीं निकसे, तब सुकृत की बात कह। कबीर कहते हैं कि शीस चरण कर कंपन लागे, मस्तक कांपता है, सर भी सीधा नहीं रहता है, पैर कांपते हैं, कर हाथ कांपते रहते हैं। 2 कदम भी चलना हो तो किसी से कहना पड़ता है जरा हाथ दो तब चलूं मैं 2 कदम। शीस चरण कर कंपन लागे, नयन नीरु असराल बहे, अविरत आंखों से अश्रु बहते रहते हैं, पछतावे के आंसू, दुख के आंसू, शिकायत के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। जीभ्या बचन सूद नहीं निकसे, अरे मुंह से बोलने की कोशिश करता है, बोलना चाहता है कुछ और बोलता है कुछ। वृद्धावस्था आ जाए बड़ी दयनीय दशा होती है। लोग कहते हैं ना ये बीमारी बहुत है, तुमने जय श्री कृष्ण के हमड़ा तू नहीं पढ़, तुमने जय श्री ये कहना चाहते। जी भया सुने, अब तुम्हें सुकृत की याद आती है, सुकृत सत्कर्म, अब याद आई। मैंने कहा था ना सुबह के कि कबीर सत्य वक्ता है, स्पष्ट वक्ता है, तीर के समान कबीर कह देते, चोट लगे तो लगे। सुष्ठु सुष्ठु नहीं बोलते, मैं ऐसा कहूं फिर उसको क्या लगेगा, उसको बुरा बुरा लगने दो तो सही मार्ग पर आएगा, ये कबीर की भाषा। नहीं तो कोई कह सकता है ना वृद्धावस्था का मजाक किया है, नहीं, अब जो वृद्ध होने जा रहे हैं उनकी स्थिति ये ना हो, इसलिए कबीर बड़ी स्पष्टता से बात करते हैं।
मजाक नहीं कर रहे, सावधान कर रहे हैं। अब सिकुरुत की, अब जरा अंजलि में जल दे दो, गौदान किया ये गौ ग्रास किया, अब शक्ति नहीं है, तब तूने जाकर गंगा जी में स्नान नहीं किया तो अब जाके गंगा की चम्मट डालते हैं मुंह में, तूने जाकर कभी जमुना जी में स्नान नहीं किया तो अब जाके जमुना जी की चम्मट डालते हैं। अब सुकृत याद आए इस स्थिति में, क्या फायदा है उसका? पूरा जीवन कहां निकल गया पता नहीं चला, न जीवन में प्रवेश करने का पता चला, न जीवन से निकलने का पता चला, बस दौड़ते गए, बस यही हुआ जीवन। कहें कबीर सुनहुरे संतों धन संचयों कछु संगी न गयो। कबीर जी कहते हैं संतों, देखो कबीर की महानता, सभी को संत कहते हैं, संतों सुनो धन संचयों कछु संगी न गयो। धन संचय तो बहुत किया, इकट्ठा तो बहुत किया, लेकिन साथ में कुछ गया नहीं। आई तलब गोपाल राय की, माया मंदिर छाड़ी चले। अब गोपाल राय की, मुझे कबीर जी में यह अच्छा लगता है कि प्रहार करते हैं लेकिन ही ऑलवेज शोज अ सिल्वर लाइनिंग, अ गोल्डन लाइन, जो अंत में लाते हैं ना वो नेगेटिव पे नहीं छोड़ते, पॉजिटिव करके छोड़ते। अब तो तलब आई गोपाल राय की, माया मंदिर छाड़ी चले, अब माया मंदिर को छोड़ के चले। व्यक्ति का पूरा जीवन मेरी मेरी करता जन्म गयो, कहां पूरा जीवन चूक जाता है पता नहीं चलता। एक बार ऐसा हुआ, कंपटीशन थी, अनाउंस करवाया है राजा ने, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठे किए, शहर के लोगों को इकट्ठे किए सबको, और कहा कि 100 फुट का स्विमिंग पूल है, एक सरोवर है 100 फुट का बनाया गया है स्विमिंग पूल, और जो कोई उसको तैर के सामने चला जाए राजा की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम। सबने कहा केवल 100 फुट, बड़ी साधारण बात है, कोई छोटा मोटा तैरने वाला तैराक भी ये कर ले, 100 फुट तैरे बस इधर से निकल कर उधर जाए, 1 करोड़ रुपया राजा की ओर से तैयार, डिमांड ड्राफ्ट। सबने कहा ये तो करने जैसी बात है, लोग इकट्ठे हो गए, चलो करोड़ तो सभी को चाहिए ना, 16 प्रश्न के उत्तर दे दो करोड़पति बन जाओ, इतनी आसान बात, तो ये 100 कदम तैर लो और करोड़ रुपया मिल जाएगा, बड़ी आसान बात है। सब लोग इकट्ठे होकर के आए, सोचने लगे कैसे इतनी सरल बात कैसे हो सकती है। वहां पर आए तब पता चला कि और कुछ नहीं है, ये जो सरोवर बनाया है 100 फीट का है लंबाई उसकी, और उसमें 100 मगरमच्छ रखे हैं, क्रोकोडाइल, और हफ्ते भर से भूखे हैं, बस और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति इधर से उधर तक पहुंच जाए करोड़ रुपया मिल जाएगा, जाएगा कुछ, जीवन तो सभी को प्यारा है। सब ने कहा नहीं नहीं, लेकिन भीड़ इतनी हो गई थी वो करोड़ की लालच में, मगरमच्छ है वो तो किनारे पर आए तब पता चले कि है अंदर। उतने में ऐसा हुआ, एक व्यक्ति कूद पड़ा, जैसे कूदा तड़ 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 स्विमिंग करके सामने निकल गया, लोगों ने हर्ष के चिल्ला उसको उठा लिया, अरे वाह करोड़ रुपए जीतने वाला आदमी, एक उसका गौरव किया गया, करोड़ रुपए का ड्राफ्ट उसके हाथ में थमाया गया, गौरव किया, क्या व्यक्ति है, कितना हिम्मतवर है। और उसके सामने माइक रखा गया कि अब जरा तुम अपना प्रतिभाव दो, व्हाट डू यू फील। उसके सामने जब माइक आया तब उसने पूछा, पहले तो मुझे ये बताओ किस नालायक ने मुझे धक्का मारा था। आप लोग अच्छे लगते हैं जब हंसते हैं, लेकिन जरा सोचना कि वो केवल उस एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो हम सभी की बात है। ये 100 फुट का स्विमिंग पूल, ये हमारा जीवन है 100 वर्ष की आयु। जन्म पाकर के अंदर जाना है और मृत्यु तक बाहर निकले,
बस भगवान इतना ही कहता है कि ये 100 फुट 100 कदम तैर ले, बहु सागर इतना ही है, अधिक नहीं है, तैर जा इसको, पार कर जा। पार, इतनी बड़ी बख्शिश देने को मैं तैयार हूं। हिम्मत नहीं होती, क्यों? क्योंकि अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वैर भाव, कितने क्रोकोडाइल्स, कितने मगर, कितने संकट, कितने कष्ट, कितने दुख भरे पड़े। और कोई विरला ऐसे निकल जाए, पार हो भी जाए, वो भी प्रश्न ही पूछता है, मुझे डाला था किसने अंदर, जाना चाहता नहीं था, धक्का किसने, मेरी मेरी करता जन्म गयो। तो तीसरा पद, ऐसा तेरा झूठा मीठा लागा। ये आज के जो विषय मैंने पसंद किए हैं ना, तीनों पद ऐसे हैं माया के। ऐसा तेरा झूठा मीठा लागा, ताथे साचे सुमन भागा। कबीर कहते हैं कि ये झूठा संसार जो है, फिर भी वो इतना मीठा लगता है, इतना आकर्षण उसके प्रति होता है, विषयानंद, विषय भोग के प्रति, कि साचे सु मन भागा, जो सत्य है उससे मन दूर हो जाता है। ये संसार में जानते हैं लोग कि सत्कर्म का परिणाम है सुख और दुष्कर्म का परिणाम है दुख, सब जानते हैं, किसी को उपदेश की जरूरत ही नहीं, किसी को आवश्यकता नहीं, सबको इतना पता है कि सत्कर्म करेंगे पुण्य मिलेगा, मिलेगा पुण्य का परिणाम होगा सुख, दुष्कर्म करेंगे पाप मिलेगा, पाप का परिणाम है दुख। दुष्कर्म करने से पाप मिलता है, पाप का परिणाम है दुख, ये जानते हुए भी लोग दुष्कर्म करते रहते हैं। क्या बुरा काम करने वाले को पता नहीं है कि इसका परिणाम गलत आने वाला है? बिल्कुल जानता है, और जितना अधिक जानता है ना, उतना अधिक प्लानिंग करता है कि उस दुख को, उस पाप को कितना पोस्टपोन किया जा सके। उसमें पहला प्लानिंग उसका यह होता है कि किसी को पता ना चले, किसी को मालूम ना पड़े। कितना छुपाओगे, क्या छुपाओगे और किससे छुपाओगे? कबीर जी तो कहते हैं ना, चींटी के पैरों में पायल बजे वो भी मेरा साहिब सुनता है। नथिंग गोज अननोटिस्ड फ्रॉम द आईज एंड ईयर्स ऑफ गॉड। क्या छुपाओगे, कब तक छुपाओगे और किससे छुपाओगे? असंभव, फिर भी मनुष्य की। तो ऐसा तेरा झूठा मीठा लगा, झूठ में इतना मीठा लगता है कि साचे सु मन भागा, मनुष्य सत्य से दूर हो जाता है। इसी को माया कहते हैं। माया मतलब एक अविश्रांत दौड़, और ब्रह्म मतलब स्व में स्थिरता। माया का मतलब है एक अविश्रांत दौड़, और वह दौड़ है इसीलिए उसमें अशांति है और इसीलिए उसमें दुख है। ब्रह्म का अर्थ है स्व में स्थिरता, परिणाम शांति आनंद। फर्क केवल इतना, जब तक दौड़ते हैं तब तक माया है, स्थिर हुए कि ब्रह्म हुए। जब तक दौड़ते हैं तब तक अशांति है, स्थिर हुए कि शांति मिली। शांति तुम्हारा स्वभाव है,
दौड़ता है उसी का अर्थ है कि स्थिर हो सकता है। स्थिर व्यक्ति दौड़ सके कि नहीं पता नहीं, लेकिन दौड़ता है वो तो स्थिर हो ही सकता है। जो अशांत है वो शांत हो ही सकता है। शांत व्यक्ति अशांत होना चाहे तो हो जाए, न होना चाहे न हो, लेकिन जो अशांत है वही सिद्ध करता है कि वो शांत हो सकता है। अशांति में ही शांति छिपी है। अशांति शब्द भी देखो, अशांति में ही शांति छिपी है। तो ऐसा तेरा झूठा मीठा लागरा, ताते साचे सुमन भागा, सत्य से मन दूर गया, प्रभु भक्ति नहीं कर रहा। झूठ के घर झूठा आया, झूठा खान पकाया। ये जरा एक चित्र आपके आपकी आंखों के सामने खड़ा करना। झूठ के घर झूठा आया, ये संसार झूठ, ये जीवात्मा का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वो भी झूठ। संसार में हम आए हैं वही एक माया है, क्योंकि संसार भी नहीं है। और हम जो अपने आप को समझते हैं कि ये 5-5.5 फीट का खिलौना मैं हूं, ये राख का ढगा ढेर मैं हूं, ये जो हम सब, वो हम कहां है? तो नहीं ये संसार है, नहीं ये हम है। झूठे के घर झूठा आया, झूठा खान पकाया, भोग के लिए जो सजा है वो भी सब झूठा। कहीं लकड़ी पड़ी थी, कहीं सीमेंट पड़ा था, कहीं पत्थर पड़ा था, कहीं पानी पड़ा था, कहीं चूना पड़ा था, ये सब को इकट्ठा करने आकर के आपने एक सुंदर सा मकान बनाया और समझते हैं वाह वाह, अरे सब झूठा है। कहीं बिखरा हुआ पड़ा था, आपने लाकर के इकट्ठा किया, 100 साल के बाद वहीं वही वापस बिखर जाएगा। ईंट कहीं जाके गिरेगी, पत्थर कहीं जाके गिरेंगे, लकड़ियां कहीं जाके गिरेगी, सब बिखर जाएगा वापस। गुजरात में मैं जाता हूं ना, पुरानी हवेलियां बिकती हैं छोटे मोटे शहरों में, अहमदाबाद में या तो इंटीरियर, जहां जो पुराने शहर हैं हवेलियां बिकती हैं। और लेने वाले लोग हवेली इसलिए लेते हैं कि अंदर से लकड़ी बहुत अच्छी मिलती है। और अब तो एक बिजनेस बन गया ना वो कार्विंग वाला फर्नीचर, ऊपर से जो लकड़ियां डेकोरेशन की मिलती हैं बड़े अच्छे दाम में चलती, सभी इंडस्ट्री। तो मेरी हमेशा मेरे दिमाग में ये विचार आता है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 300 साल पहले उस जो नगर सेठ रहे होंगे उन्होंने वो हवेली बनाई होगी, इतना कार्विंग वाला किया होगा, उसने तो यही सोचा होगा ना कि ये तो यावत चंद्र दिवाकर वो है, शाश्वत ही है। 100-150 साल में तो सब वो इकट्ठा करके सब ले आया था, और 100-150 साल में न जाने खंभा किसी के घर में लगता है, न जाने एक अलमारी किसी के घर में लगती है, और कुछ लकड़ियां जल के किसी की रोटी पका के राख हो जाती हैं, बिखर गया सब। तो झूठे के घर झूठा आया, झूठा खान पकाया, झूठी सहन का झूठा वाहिया। जो रहन सहन है, जो बाह्य विचार है, वो भी सब झूठा है। झूठे झूठा खाया, झूठे ने झूठे के साथ बैठ करके ये जो भोग भी भोगे ना, वो भी सब झूठे। चिंतन करेंगे तो पता चलेगा यहां झूठे शब्द के दो अर्थ होते हैं हिंदी भाषा में, और दोनों तरीके से सोचना। एक झूठा यानी गलत, इल्यूजनरी उस सेंस में, और दूसरा झूठा मतलब एठू, किसी का खाया हुआ, किसी की थाली में से आप खाओगे ना, आधा पकौड़ा उसने खाया और आधा ये दिया, वो झूठा दिया। ये संसार में जो भी है ना सब झूठा है, सारे भोग झूठे हैं। आपको लगता है अरे वाह नहीं नहीं हमने तो बिल्कुल नया मकान बनाया, उसी में वास्तु शांति करके हम गए, अरे झूठा है वो। ये पत्थर पे कितने लोग बैठ चुके हैं, ये लकड़ियों के ऊपर कितने पंछी अपना घोंसला बना चुके हैं, सब झूठा है। Nothing is fresh in this world. नहीं, मैं कोई व्यक्ति कह सकता है या कोई बहन जी कहें कि मैंने जो ब्याह किया मेरे पति एकदम, उन्होंने ना किसी के साथ कोई रिलेशन था, किसी लड़की को उसने देखा भी नहीं, he's such a wonderful and innocent man.
पाए, गलती में है आप। वो पति भी तुम्हारे पास आया है, झूठा आया है, और पति के पास जो पत्नी आई वो भी झूठी है। क्यों? देखिए महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति च परे। माता पितृ सहस्राणि, हजारों माता पिता हो चुके हैं, पुत्रदार शतानि च, हजारों पुत्र हो चुके हैं, हजारों पत्नियां हो चुकी हैं, और पत्नियों के लिए हजारों पति हो चुके हैं, और इस जन्म की पत्नी पिछले जन्म में पति रही होगी, किसी की पति रहा होगा किसी का, और इस जन्म का पति अगले जन्म पिछले जन्म में किसी की पत्नी रही होगी, सब झूठे हैं सारे भोग जो, इसीलिए तो झूठा खान पकाया, जो भी है सब झूठा है। जितने अनुभव सुख की अपेक्षा से आप उस अनुभव में से गुजरते हैं, ये सारे, कोई भी कंवारा अनुभव नहीं है। इंग्लिश शब्द, हाँ, वर्जिन एक्सपीरियंस जिसे कहें, वो जीवन में एक भी नहीं। भोग के जो भी अनुभव हैं वो सारे झूठे अनुभव हैं। वर्जिन एक्सपीरियंस, कुंवारा अनुभव केवल एक ही हो सकता है, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से जुड़ना, क्योंकि वो जुड़ने के बाद फिर झूठा होने की संभावना ही नहीं रहती। संसार में जो मैं कुछ सुनता हूं, मैं बताऊं आपको, मैंने 5-7 साल पहले सुना था, अब तो परिस्थिति और वो होगी। कुछ यंग लेडीज जो जॉब करती हैं और ट्रेन में ट्रैवल करती हैं, शायद मैंने सुना था या कोई आर्टिकल में पढ़ा था, कई लोगों की नजर लगी रहती है कि अरे सिंगल लेडी है, अनमैरिड है, कई लोगों की दृष्टि उस पर होती है। ये दृष्टि से बचने के लिए मंगलसूत्र पहन के चलती है ट्रेन में ट्रैवल करते समय, ताकि लोगों को मंगलसूत्र है, चलो ब्याह हो गया, किसी की हो चुकी है, तो फिर वो गलत दृष्टि से बच जाती है। वो तो ठीक, समाज की एक दुर्दशा है, उसका एक करुण दृश्य है वो, लेकिन आध्यात्मिक विषय में देखें तो सब लोगों की नजर ये जीवात्मा के ऊपर है, सब भोगों की, जीवात्मा की दृष्टि सारे भोग के ऊपर है, और भोगों की दृष्टि, माया भी सोचती है ना, कौन से जीवात्मा को मैं फंसाऊं, माया बड़ी ठगीनी है, सर्पिणी है, वो अपने जनता जने को ही खाती है, तो माया की भी यह दृष्टि से अलग। जिसने राम नाम का मंगलसूत्र ले लिया ना, बस अब माया की दृष्टि, संसार के भोगों की दृष्टि, वो हो गई, वो ये किसी की हो चुकी, अब दृष्टि नहीं पड़ती उस पर। झूठे के झूठा झूठण, झूठा उठण झूठा बैठण, झूठी सबै सगाई, उठना झूठा बैठना झूठा, सभी सगाई झूठी, झूठे के गरी झूठा राता रात, साचे को न पतियाई। झूठे के घर में झूठा इतना राता राता, मतलब रत हो गया है, आसक्त हो गया है, कि साचे को न पतियाई, वो सत्य पर भरोसा भी नहीं करता। पत रखना मतलब श्रद्धा रखना, पत पेढ़ी मराठी में शब्द है ना, पतपेढ़ी मतलब जो श्रद्धा जिसका आप रख सको, आधार रख सको, तो साचे को ना पति आई, झूठे के साथ संबंध इतना दृढ़ हो गया है कि सत्य के ऊपर अब भरोसा नहीं रहता। ये संसार असत्य है, इल्यूजन है, लेकिन व्यक्ति को संसार इतना रियल रखता है। जब श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ नहीं है, भरोसा नहीं बैठता लोगों का। लोग कहते नहीं, लेकिन हाउ कैन दिस वर्ल्ड नॉट बी देयर एंड हाउ कैन गॉड बी देयर। ये संसार जो इतना रियल लगता है, ये संसार को हम अपनी इंद्रियों से पकड़ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं,
कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं. इट सीम्स सो रियल बिकॉज वी कैन परसीव द वर्ल्ड विथ अवर सेंस ऑर्गन्स. और उसको आप कहते हो संसार नहीं है. और जो भगवान न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो भगवान. आप इतनी बातें करते हो भगवान के बारे में, क्या तुम्हारा भगवान है? तुम्हारा भगवान जैसे उसको कुछ लेना देना ही ना हो. तो झूठ से इतना संबंध बन गया. ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, आज के मनोवैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि कोई झूठ अगर व्यक्ति के दिमाग पर 7 बार कहा जाए ना, तो उसको वो सत्य लगने लगता है. बड़ी प्रसिद्ध कहानी आपने कि एक ब्राह्मण बकरी को लेकर जा रहा था. ब्राह्मण ने सोचा बकरी का दूध पिएंगे बड़ा सात्विक होता है. और कुछ विधर्मियों की नजर पड़ गई कि अरे ये बकरी तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, दूध क्या पिए उसे ही खा जाए. 5-6 लोग मिल गए. तो ये बकरी लेनी कैसे ब्राह्मण के पास से? गुनाह में नहीं आना है और लेनी है. युक्ति बनाई उन्होंने, आधे आधे फरलांग के अंतर पर खड़े रहे वो 5-5, 6-6. निकलते हुए कहा, पहले व्यक्ति ने मिला उस ब्राह्मण बकरी लेकर के जा रहा है, उसने कहा अरे क्यों भूदेव कुत्ता लेकर जा रहे? ब्राह्मण ने कहा अरे भाई बकरी है कुत्ता नहीं. अरे कुत्ता है ये. पहली बार तो ब्राह्मण ने नहीं सुना, आधा फरलांग चला, दूसरा अरे ब्राह्मण देवता नमस्कार, लेकिन ये कुत्ता लेकर क्यों चलते? ब्राह्मण ने सोचा अरे बकरी है नहीं कुत्ता. तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, परिणाम यह आया कि छठे आदमी ने जब कहा ना, तो ब्राह्मण ने स्वयं वो बकरी को कुत्ता समझ के उतार दिया कि इतने सारे लोग कैसे झूठे हो सकते हैं. बकरी को अगर बार 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 कहा जाए कि कुत्ता है, तो व्यक्ति अपनी धारणा को अपने अनुभव को छोड़ देता है, वो असत्य को ग्रहण कर लेता है. कबीर जी कहते हैं झूठे के घरी झूठा रहा. इतनी आसक्ति हो जाती है झूठे के साथ कि अब सत्य पर संशय होने लगता है. संसार झूठा है लेकिन वो इतना नजदीक है, इतना समीप है कि व्यक्ति को परमात्मा पर संशय होने लगता है. कहे कबीर अलह का पंगुरा. कबीर कहते हैं अरे व्यक्ति मनुष्य तू अलह का पंगुरा, तू ईश्वर का अंश है. पंगुरा अंश, अलह प्रभु, तू भगवान का अंश है. साचे सु मन लाओ, जो सत्य है जो उससे मन लगाओ. झूठे केरी संगति त्यागो, मन वांछित फल पाओ. झूठे की संगत को जब छोड़ोगे तब मन वांछित फल पाओ. तब तुम्हारे मन में जो कुछ तुमने मना रखा है, सजा रखा है, वो तुम पा सकते हो. झूठे की संगत छोड़ो. कबीर जी एक अलग दोहे में इस बात को और थोड़े स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कौन छोड़ सकता है? राम से प्रेम कौन लगा सकता है? साचे सु मन कौन लगा सकता है? तो कबीर जी कहते हैं, अमृत पीवे ते जना सतगुरु लागा काम. वस्तु अगोचर मिली गई, मन नहीं आवा आन. अमृत वही पी सकते हैं, भक्ति का अमृत या मुक्ति का अमृत या प्रेम का अमृत, वही पी सकते हैं जो सतगुरु लावा कान लागा. जिसने सतगुरु, जिसे सदगुरु प्राप्त हुए और उस सदगुरु के उपदेश को जिसने सुना कान लगाकर एकाग्रता से. क्योंकि आमतौर पर क्या है, हम गुरु की वाणी नहीं सुनते, हम अपनी ही वाणी सुनते रहते हैं. हाँ ठीक कहते हैं, अच्छा कहते हैं, दृष्टांत में बहुत मजा आता है. हम गुरु को नहीं सुनते, हम अपनी वाणी सुनते. गुरु जो सदगुरु लागा ज्ञान लागा कान, वस्तु अगोचर मिल गई और ये ज्ञान का उपदेश जिसने एकाग्रता से सुना है, उस पर जिसने आचरण किया है, उसे अगोचर वस्तु मतलब इंद्रिय अगोचर, इंद्रियां जिसको पा नहीं सकती, ऐसे आत्मानंद की अनुभूति होती है और मन नहीं आवान. फिर उसको मन में
कहीं कुछ और नहीं आता, मन कोई अन्य जगह पे जाता ही। पांच सौ वर्ष पहले कबीर ने यह उपदेश दिया, आज हम वो उपदेश पा रहे। अब प्रेम का अमृत पाना है, अमृत पी वह तय जना, मुक्ति का अमृत, भक्ति का अमृत वो तो पाए, प्रेम का अमृत भी पाए। प्रेम का अमृत कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? मिलना तो अभी चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कल सुबह मिलेगा, क्योंकि प्रेम का मार्ग बांका रे, कबीर कहते हैं। दूसरे सत्र की जो पत्रिका आपको दी गई थी, कल सुबह सोचेंगे उसके बारे में। प्रेम का मार्ग बांका है, वह जानत है शीस प्रेम में अर्पण जाका रे। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस काट चरणन धरो तब पैठे घर माही। बड़ी सुंदर बात। कल प्रातः काल तो 6:30 बजे प्रभात फेरी, उसके बाद मेडिटेशन, और तो आपके पास के जो है मैं क्या कहूँ, लेकिन 6:30 बजे प्रभात फेरी के लिए मिलेंगे। एक श्लोक में प्रार्थना करें और फिर मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। ओम शांति शांति शांति।